सोने दो। ये सब मेरी सौतने हैं जो सुबह होते ही तुम्हारे एक इशारे पर मेरे कानों में चीखने लगती है। आप उठिए भी और चलिए जॉगिंग पर। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। हाँ राधा, मेरी उम्र जॉगिंग की नहीं स्लीपिंग की है। इसीलिए तो मैं इन घड़ियों को चाबियां दे देकर रखती हूँ। पापा ने मुझे संभालने की जिम्मेदारी आपको दी है, मगर किसी नादान बच्चे की तरह मुझे आपको संभालना पड़ता है। ब्रश कराओ, मुंह धुलाओ और फिर जॉगिंग सूट पहनाकर जॉगिंग पर ले जाओ। अंकल, आप फिर उंगने लग गए। 6 बज गए, अभी तक पापा का फोन क्यों नहीं आया? क्या नाम है तुम्हारा? राधा। हाँ राधा, काश तुम्हारे पापा का जिगरी दोस्त एडवोकेट झुंझुन वाला उनके साथ अमेरिका में होता। अरे वो इस वक्त खर्रांटे ले रहे होंगे, फोन कहाँ से करेंगे? नहीं, मुझे फोन किए बिना पापा को नींद नहीं आती। तुम उनकी इकलौती लाडली बेटी जो ठहरी, उनकी हल्की सी तकलीफ तुमसे बर्दाश्त नहीं होती और तुम्हें फूल से लगी चोट को सह नहीं सकते। अमेरिका से तो रोज फोन आता है, आज क्यों नहीं आया? क्या किस्मत लेकर आया है ये, काश मैं भी कुत्ता होता तो कोई नींद से तो ना जगाता यार। उफ़, अंकल। चलिए उठिए नाइट। कहाँ चले? अभी पापा का फोन। हेलो। यस पापा, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? हाँ हाँ है, एक सरप्राइज है। आप अमेरिका से हिंदुस्तान आएंगे ना, तब बताऊंगी। कौन? आपके वो दोस्त मिस्टर नीन के पुजारी। निगरानी वो मेरी क्या करेंगे, मैं उनकी निगरानी कर रही हूँ। हाँ पापा, हम जॉगिंग पर जा रहे हैं। जॉगिंग? La 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 la
120 पास पास। अब रुक क्यों गए? 120 हो गए जी। नहीं अभी तो सिर्फ 6 हुए हैं। अब जितने में मुझे याद नहीं, जब याद आ जाएंगे तो पूरे कर लूंगा। अभी और इसी वक्त पूरा करोगे? अरे इस तरह तो मैं आधा हो जाऊंगा राधा। अच्छा है, खूबसूरत लगोगे। ये उछल कूद कोई जिंदगी भर थोड़ी चलनी है। 1 महीने में छुट्टी। मतलब ये कि 1 महीने बाद तुम्हारा मेरे यहाँ दाना पानी खत्म। सपने अच्छे देखते हो। मैं चले जाऊंगी, किसने कह दिया तुमसे? जिसने तुम्हें जन्म दिया उसने। क्या कहा पापा ने? यही कि अमेरिका से आते ही ऊटी ले जाएंगे। ऊटी? वो तुम्हारे पिताजी की जन्म भूमि है। मगर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वहाँ है ही क्या? वहाँ तुलसी नदी है, काली मंदिर है, आकर्षण मन है, और वहाँ मेरा फुपेरा भाई भी है, भाई विशंबर। ए, ए, राजा सबको नमस्ते करो। राजा सबको नमस्ते करो। राजा सब आ गए। राजा साहब की छड़ी और उनका कोट पहनकर घूमता है, ये खबर अमेरिका में बसे हुए राजा साहब तक पहुंच गई तो? अरे राजा साहब कौन है? मेरे मामा जी, और वो रहते हैं 7 समुंदर पार। और ये खबर वहां तक पहुंचते पहुंचते थक कर पानी में पुलक पुलक कर गिर जाएगी। और यहाँ उनकी बेटी राधा जो है मेरे ओछे पेट की माँ। अगर ये खबर आपके पेट से उछल कर बाहर नहीं टपकी तो ना तो किसी राधा को खबर होगी और ना किसी कृष्ण को, और ये विशंबर बना रहेगा राजा साहब। अरे यार तुम तो अमेरिका से ऐसे ऑर्डर कर रहे हो जैसे भगवान स्वर्ग से कर रहा है। अब ज्यादा मनमानी की तो एक छोटा सा बम फेंककर अमेरिका के सारे दूलों को खाक कर दूंगा। हाँ अब मुझे राधा से पहले बात करने दो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। हाँ क्या समझता क्या अपने आपको? क्या बात है अंकल? अरे ये खुशी भी अजीब टॉनी के बेटी, ऐसी खुशखबरी मुझे सुनाकर फूला नहीं समा रहा था, बस पूछो मत। उनका करोड़ों का फायदा हो गया होगा। फायदा? अपनी बेटी के लिए उन्हें हीरा मिल गया है। हीरा? हीरा? हाँ अमेरिका का कोई गधा है। गधा? अरे जो शादी के लिए राजी हो जाता है वो गधा बन जाता है, इसलिए तो मैंने आज तक शादी नहीं की। कौन, किसकी शादी? अरे कोई बुश है, प्रेसिडेंट बुश का रिश्तेदार रहा होगा। अंकल मैं बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ। अरे तो मैं कहाँ कॉमेडी कर रहा हूँ भाई, मेरे दोस्त की बातों से साफ लग रहा था कि रिश्ते की बात बिल्कुल पक्की है। हाँ मगर अंकल मेरी जिंदगी का इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बिना? बेटी लड़की तो पैदा होती है पराए घर जाने के लिए, एक ना एक दिन अपनों को छोड़कर जाना ही पड़ता है। तुम्हारी शादी की बात सुनकर मैंने भी अचानक बहुत अकेलापन महसूस किया, क्योंकि मेरी दोस्त, मेरी बेटी, मेरा सब कुछ तुम ही तो हो, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम पर तुम्हारे पिताजी का अधिकार और हक है। लेकिन अंकल मेरी भी कुछ आशाएं हैं, कुछ सपने हैं। कैसी आशाएं, कैसे सपने? आपको बताने की बहुत कोशिश की अंकल, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मुझे माफ कर देना। आई एम इन लव विद समवन और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राधा, आई लव यू। राधा आई डू। तुम्हारी मुस्कुराहट में आज कुछ दबी दबी सी बात है। एक बात हम दोनों की चाहत के खिलाफ हो रही थी। क्या हुआ राधा? होने को तो बहुत कुछ हो जाता मगर मैंने होने नहीं दिया। ऐसा क्या हो जाता? कुछ नहीं, मैं मिसेस दिलीप के बजाय मिसेस बुश बन जाती। राधा मैं एक बार सांस लेता हूँ तो 2 बार तुम्हारा नाम लेता हूँ, और तुम इस तरह बिछड़ने की बात करती हो। अरे बिछड़ने के डर से इतने घबरा गए तुम? मैं तुम्हें किसी और की होते हुए नहीं देख सकता राधा। तुमने अपने घर वालों से हमारी शादी की बात किया नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरी शादी की बहुत जल्दी है। दिलीप, मैंने अंकल से साफ साफ कह दिया है कि शादी मैं अपनी पसंद से ही करूंगी, और मेरी पसंद सिर्फ तुम हो। मगर तुम अंकल से आकर मिलते क्यों नहीं?
जब मैंने लड़की होकर अपने मन की बात अंकल से कह डाली तो क्या तुम मर्द होकर उनसे मेरा हाथ नहीं मांग सकते? ठीक है राधा, मैं तुम्हारे अंकल से जरूर मिलूंगा। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे आप इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी बेटी को जायदाद से बेदखल करने की सोच रहे हैं? भाई साहब आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं राधा को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सुनिए, हेलो 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 भाई साहब, आप मेरी हेलो। क्या हुआ? उनका कहना है कि बचपन से आज तक उन्होंने तुम्हारा कोई अरमान, तुम्हारी कोई तमन्ना अधूरी नहीं रखी, और अगर तुमने उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश मानने से इनकार कर दिया तो वो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। जिस तरह से उन्होंने अपनी स्वर्गवासी पत्नी की मौत से समझौता कर लिया, वो समझेंगे कि उनकी बेटी भी उनके लिए। लेकिन इससे पहले मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं, उन्होंने फोन नीचे रख दिया। झुंझुनवाला साहब, मेरे कानों ने अभी अभी सुना है कि मामा जी राधा को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। हाँ भाई, राधा की एक अपनी पसंद है जो मेरे दोस्त को पसंद नहीं, और तुम तो जानते हो कि उनके खून में जिद भरी हुई है, भरोसा नहीं क्या कर बैठे। इसका मतलब ये सारी जायदाद मेरी है, अब मैं राजा हूँ। इसका मतलब ये सारी जायदाद मेरी है, अब मैं राजा हूँ। क्या हुआ, एक घोड़े की तरह हंस क्यों रहे हो? क्या मैं हंस रहा हूँ? जब कोई बैकी बैकी बातें करता है तो हंसी आ ही जाती है ना। लेकिन झुनझुन साहब, ये बाप और बेटी के बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीवार दिल में दरार कर देती है, क्रैक कर देती है। आप चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा राधा को। मैं चलता हूँ, एक मिनट। एप्पल अ डे कीप्स अ लॉयर अवे। डू हाउ डू 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 फाइन थैंक यू, हाउ डू यू डू 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 डू। राधा मेरे मामा की लड़की है, यानी कि मेरी बहन है। इसकी पसंद को मैं अपने दिमाग के तराजू से तोलने के लिए आया था। आ हा 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 हा, मजा आ गया। तो मैं चलूं? डू 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 सेम टू यू, बाय बाय। राधा बहुत भला लड़का है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत जचेगी। और तुम्हें तो इसके साथ जीवन निभाना है ना, इसलिए जीवन साथी किससे चुनना चाहिए उसका फैसला करने का हक सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। बीच में किसी को भी टांग अड़ाने की इजाजत मत देना। और अगर इस प्रेम युद्ध में इस योद्धा की आवश्यकता हो तो सिर्फ इशारा कर देना। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अरे प्रेम के कबूतरों, तुम लोगों ने इतनी गुटरगूं की है कि मैं इससे ज्यादा गुटरगूं नहीं सुन सकता। तुम लोगों ने प्रेम रोग की अंतिम सीमा को छू लिया है, जहां ना दुआ काम करती है और ना दवा काम करती है। फिर भी हालात से निपटने के लिए तुम्हें चंद बातें समझाना बहुत जरूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? जी दिलीप। दिलीप बाबू जरा इधर आइए, एक्सक्यूज मी, जरा इधर आइए। हाँ दिलीप बाबू, राधा को कोई रानी महारानी मत समझना। दरअसल वो एक जिद्दी, अपनी मनमानी करने वाली, आजाद ख्याल की लड़की है, और उसकी तुमसे शादी करने की जिद में उसके डैडी ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। मतलब अब ये कि एक यतीम, बेसहारा और कंगाल लड़की में और राधा में कोई फर्क नहीं। देखो जो मेरा फर्ज था मैंने कह दिया, बाकी कल सुबह शादी का मुहूर्त है, तुम्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस में आना है। वैसे तुम्हें जो कुछ कहना अभी कह दो, क्योंकि सात फेरों के बाद आदमी जरा दूसरे फेरों में पड़ जाता है, फिर जरा बाहर निकलना है। सर मैं कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस जरूर आऊंगा। झुंझुनवाला साहब, लड़का तो अभी तक आया नहीं है, मुहूर्त का समय तो खत्म हो रहा है। मुहूर्त का समय मायने नहीं रखता, मायने रखता है लड़के का आना। अंकल कहीं रास्ते में कुछ बेकार बातों से अपने दिल को मत बहलाओ राधा, समझी? यहाँ पर झुंझुनवाला साहब कौन है? हाँ जी मैं हूँ। दिलीप साहब ने ही लेटर भेजा। दिलीप साहब मैं एक अनाथ, यतीम और गरीब लड़की से शादी करना नहीं चाहता। गुड बाय दिलीप। हे मैन, तुम हमको ये सारा जंगल काटने का परमिशन तो दे दिया, मगर इधर का जंगली सुअर हमको किधर काट डाला तो? पहाड़!
जोसेफ के दिमाग की धूल को अपनी बातों की चप्पल मार मार कर जरा साफ कर दो और इसे बताओ कि हम इस इलाके के कौन हैं। हाँ साहब जी, जिस तरह से जंगल में शेर राजा, उसी तरह से इस इलाके में हमारे साहब जी राजा। अरे इस जंगल का पेड़ तो क्या, अगर किसी इंसान का सर भी काट दो तब भी कोई सर नहीं उठाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ सारा जंगल साफ कर डालेगा। कर दो कर दो, तुम इसी तरह नोट देते रहो, जंगल साफ करते रहो। साहब जी, इसमें से दो चार नोट मुझे मिलेंगे? जहर खा के मरने के लिए? मरने के लिए नहीं, बाल कटाने के लिए। तू एक बार सर क्यों नहीं कटवा लेता? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये क्या है अंकल? ये परेशानियों का ऐलान है। तुम्हारे डैडी आ रहे हैं। लिखा है, काफी गहरी सोच के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने जो दामाद चुना है वो गलत नहीं हो सकता। कसूर मेरी जिद का है, यानी उनकी जिद का। मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया है, इसका मुझे पछतावा है। मैं वहां आकर अपनी बेटी से माफी मांग लूंगा। मैं अपनी दो हफ्ते की छुट्टियां अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ गुजारना चाहता हूँ। हाँ, शायद मुझ जैसे दिल के मरीज की आखिरी छुट्टियां हों। खैर, मैं अगले इतवार को हिंदुस्तान आ रहा हूँ। अंकल, उनके यहाँ आने की खबर सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और खोपड़ी से दिमाग। प्रॉब्लम यह है कि जिस आदमी को दो मर्तबा दिल का दौरा पड़ चुका हो, तीसरा दौरा तो जानलेवा साबित हो सकता है, उनकी मौत हो सकती है। अंकल, आप इंसान है या जल्लाद? मैं तो पापा से नजर भी नहीं मिला सकती, मन करता है आत्महत्या कर लूं। तो मेरी भतीजी अब बहादुरी के मैदान से बुजदिली की सीढ़ियों पर उतर आई है। सबसे बड़ा पॉइंट जो तुम सोच रही हो वो ये है कि आने वाले 14 दिन जो तुम्हारे डैडी अपनी बेटी और दामाद के साथ हंसी खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं, वो कैसे मुमकिन होगा? हाँ अंकल, मुझे इस खुशी के रास्ते में सिर्फ कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। राधा, मेरी समझ तो मुझे एक ही रास्ता दिखा रही है, ढोंग का रास्ता। ढोंग? हाँ, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो एक्टिंग करने में मास्टर हो और तुम्हारे पति होने का नाटक कर सके। हाँ? कितनी बड़ी बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप। तुम्हारी बेवकूफी की साइज से बहुत छोटे साइज की बेवकूफी है। तुम्हारे पिता का यहाँ से खुशी खुशी लौट जाना सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उनके इस दोस्त की भी तमन्ना है। लेकिन वो इतना जज्बाती और जिद्दी आदमी है कि अपनी समाधि बनाना चाहता है तो अमेरिका में अपनी बीवी की समाधि के बिल्कुल बाजू में। और ऐसे भोले भाले इंसान को दुख पहुंचाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हालात संभालने के लिए आने वाले 14 दिनों में किसी भी आदमी को अपना पति बनाकर पत्नी की एक्टिंग करो। पर अंकल, उससे पति की एक्टिंग करवाने के अलावा इस विचित्र कहानी में कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें अपनी जिद प्यारी है या पिता की जिंदगी। मगर इस तरह का ढोंग करने के लिए तैयार कौन होगा? वो तुम इस एडवोकेट झुंझुनवाला पर छोड़ दो। अरे बचाओ, मेरा भाई नदी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरे भाई को। अरे वो साहब साहब साहब, रुके 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 साहब। What happened? सर, मेरा भाई डूब रहा है। My brother, my brother, drinking water, पानी के अंदर। आपकी आपकी, I know no swimming sir, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, आपका पैर पड़ता हूँ सर। सर जम जम सर, देखिए सर, भाई कोई आ रहा है भाई, रुक जा सर, जल्दी सर, प्लीज सर, हरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई सर, जम जम सर, मेहरबानी सर। Come down. I come to save you. Hey, 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 break it! Hey, 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 what? Keep calm. Hey, I'm good. Come down. Hey, I'm good. I'm good. Hey, what? What? Hey, what? Go, 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 go. What did you say? Go to hell. No, no. Where is this bloody son of a bitch? He stole my clothes. What happened? What happened? I'll report it to the police.
आज साला आजकल अंग्रेज भी कंगाल हो गए। माफ कीजिएगा। चलो पुलिस स्टेशन। काहे को पुलिस स्टेशन जाओ? पुलिस मेरे बोला चोरी के जुर्म में। चुप। किसने की चोरी? कब की? हमने अंग्रेज के कपड़े भी चुराए और उसके पैसे भी चुराए। कपड़े और पैसे? अरे उस साले भिखारी के जेब में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकली, एकदम नंगा फकीर था। लेकिन तुम्हें उस बंदर के कपड़ों का इतना ख्याल क्यों? क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? साला है? दामाद है? दामाद नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से उसका थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ा। अरे पड़ेगा ही, दूसरों के लफड़े में पड़ेगा तो थप्पड़ का जूता भी पड़ेगा। क्या क्या खिसक रहा है क्या? तेरे को इतना दर्द है ना, तो ये ले और जाकर दे दे, और ज्यादा बड़बड़ किया ना तो तेरे जेब से भी पैसे निकालूंगा। जेब में हाथ डाला तो चल माल निकाल, मुझे अभी अभी 20,000 रुपया चाहिए, और 20,000 के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर तेरे पास है तो दे दे, नहीं तो आसपास कोई ऐसी जगह बता जहाँ मैं रात को डाका डालूंगा। अगर ये भी नहीं है तो बोल किसी का खून कर दूं जिससे मुझे 20,000 रुपया मिल जाए। अगर तेरे पास है तो दे दे, नहीं तो अपना दिमाग मत खराब कर। अच्छा हेलो भैया। ओ भैया। अरे रुक जाओ यार, 20,000 में कोई भी काम करने को तैयार हो जाओगे? अरे क्या मतलब इज्जत का काम करूंगा? और चोरी करना क्या इज्जत का काम है? ए, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, जा रे। एक काम है मेरा, अगर तुम मेरा वो काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी 20,000 की समस्या सुलझा दूंगा। काम क्या कराना चाहते हो? कल से आने वाले 14 दिनों तक एक लड़की के पति होने का रोल अदा करना पड़ेगा। नाटक? नाटक में नहीं, असली जिंदगी में। ए, तुम पागल तो नहीं हो गया? अरे नहीं भाई, तुम्हें हकीकी दुनिया में एक असलियत की जिंदगी में नाटक खेलना होगा। मैं तुम्हें 14 दिन में 20,000 रुपया दे सकता हूँ। जरा सोचो, इतने कम वक्त में इतनी सारी रकम और इतनी इज्जत किसी किस्मत वाले को ही मिलती है। तुम काम क्या करते हो? वकील हूँ। कहीं तुम मुझे गहरे कुएं में ढकलने का प्लान तो नहीं बना रहे? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें खुलासे से समझा रहा हूँ। सब कुछ समझ जाओ और उसके बाद ये काम करना अपने दिल से समझ के। जरा दूर हटना। मैं कह रहा हूँ जरा दूर हट। अरे दूर हट यार। हाँ अब ठीक है, खड़ा रहे। ये अंकल, ये कौन सा कचरा उठा लाए हो? शक्ल से ही लुच्चा आवारा 420 लगता है। ए, मुर्गी की चोच, तितर की आंख और बटर की नाक वाली, मैं यहाँ अपने नाम पर काला पीला दाग लगाने नहीं आया, समझी ना? अच्छा तो फिर क्या, अपनी दुल्हन देखने आए हो? दुल्हन देखने? मतलब तुम दुल्हन? अरे अंधा होता फिर भी नहीं आता, तुम में ऐसी कौन सी दुल्हन वाली बात है? अंकल उस गधे को धक्का दे के बाहर निकाल दो। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन तुम इस चिंगारी वाले पटाखे को संभालो, वरना तुम्हारी कोर्ट में आग लग जाएगी। पहला वाला लड़का ठीक भागा था। शट अप। देखो भाई, ऐसी हरकतें ना करने और सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मैं तुम्हें 20 रुपए दे रहा हूँ, मेरा मतलब 20,000 रुपए देने को राजी हुआ हूँ। इसीलिए दुम हिलाने वाला कुत्ता समझा? अरे रुको रुको, जाओ नहीं, बैठो बैठो, मैं सब समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। उसको बोला जबान संभाल कर बात करे। हाँ बोलूंगा, चुप रहो, मेरा मतलब है मैं सब समझाता हूँ, इसे रखो। हाँ, ओम शांति 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 शांति, आ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो। देखो राधा, इसको यहाँ लाने में मुझे लोहे के चने चबाने पड़े। अब अगर ये नहीं माना तो 1 घंटे के बाद तुम्हारे डैडी के आने पर उन्हें मनाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए सिर्फ 2 हफ्ते तक एडजस्ट कर लो प्लीज। लेकिन इसका हुलिया देखकर पापा? अरे इसका हुलिया बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके ओके, स्माइल, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। उधर बैठो प्लीज, उधर बैठो। मैं कहता हूँ बैठो, पापा पढ़ता हूँ, बैठ। आजा आजा, हाथ उठाओ, बैठ। हाँ हाँ, आज बैठ। अरे यार प्लीज, तमीज तमीज। नमस्ते, पापा पढ़ता हूँ, तुम दोनों के पापा पढ़ता हूँ। अरे Thank you.
अपने दामाद से मिलो विजय कुमार। नाइस मीटिंग यू भाई, बहुत अच्छा दामाद चुना है। बाकी बातें रास्ते में होंगी, यहाँ से सीधे उठी। चल मैं ले लूं। चले कमान कमान यंग मैन। इस गांव में राजा साहब बनने का अधिकार केवल उसको है जो बैलों की दौड़ की बाजी जीत जाए। तुम बाजी जीते बिना राजा साहब कैसे बन सकते? अरे भाई, क्या हमारा पहले का राजा साहब बैल के ऊपर बैठ कर दौड़ा था? नहीं, बैल के ऊपर नहीं, बैल की गाड़ी में बैठ के दौड़ा था। ये बैलों की बजाय बकरियों की दौड़ की बाजी कैसी रहेगी? नहीं, हम लोग छोटी जाति के जरूर हैं, लेकिन हमारे रीत और रिवाज बड़े बड़े जानवरों पर चलते हैं। तुम्हें बैलों की दौड़ ही जीतनी पड़ेगी। साहब जी, साहब जी, साहब जी, राजा साहब जी आ गए। कौन राजा साहब? अरे मामा जी आ गए। सिर्फ मामा जी नहीं आए हैं, उनके साथ में बेटी जी भी, दोस्त जी भी और उनके दामाद जी भी आ गए हैं। दामाद जी? मामा जी पायल आ गए मेरे मामा जी। ठीक है, मगर ये पागलों की तरह क्यों दौड़ते चले आ रहे हो तुम लोग? आपके दामाद को देखने के लिए। मामा जी किधर है दूल्हा? इधर है दूल्हा। ये और राधा का पति। शट अप, ये क्या घोड़ों की तरह ही नहीं आ रहे हो तुम लोग? एंड यू गेट आउट, आउट। अरे मामा जी, अगर गेट आउट करना है तो इसको करो। ये रिश्तेदारी नहीं है, ये धोखेबाजी है। अरे राधा के पति को तो इन आंखों की दो बतिया देख चुकी है। अरे ये इसका पति नहीं है। अरे मामा जी, इन दोनों ने तो शादी की नहीं। शट अप, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हारे हलक से जबान खींच लूंगा, अंडरस्टैंड? मामा जी, आप मेरी हलक से जबान खींचिए या मेरी खाल उधर दीजिए, मगर मैं। अबे ओ उल्लू की शक्ल के, इन दोनों की शादी मैंने करवाई थी। हा? मेरी आंखों के सामने इनकी शादी हुई थी, तो इनको मुझसे ज्यादा जानता है क्या? हा? बाप रे बाप, काले कोट वाला वकील और इतना बड़ा सफेद झूठ। राधा तू बता, सच बता, शहर में जिस लड़के से तूने मुझे परिचय करवाया था, क्या ये वो लड़का था? देखा, इसको तो ठीक से भी मालूम नहीं कि लड़का वो था या कोई और था। नहीं, नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये लड़का वो नहीं था। वही था। झूठा, वही है, वही रहेगा। इसकी आंखों की हालत ठीक नहीं है, उल्लू बना दिन को दिखाई नहीं देता। मेरी आंखों की हार लेकर मैं तेरे को मामा जी की आंखों में पट्टी बांधने नहीं दूंगा। शट अप। अरे मुझे शट अप नहीं, इसको गेट आउट करो। अरे शट अप सुन लिया ना, और शट अप का मतलब होता है गेट आउट, और अपनी जबान को लगाम दो। आप लोग क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आप लोग अंदर जाओ और आराम करो। जाओ जाओ, जाइए जाइए। नमस्कार। नमस्कार। एक काला कोट गड़बड़ वाला। गड़बड़ वाला नहीं, झुन झुन वाला, कोई भी वाला। सच बता, ये नकली पति है ना? अरे काय को मुझे इस इलाके का मालिक बनने से रोक रहा है। अगर मैं इस इलाके का मालिक बन गया तो तेरे बाप का क्या जाएगा? अरे बताते मेरे बाप, ये सब ड्रामा है ना? सच बता दूं? हाँ बता ना। तो सच बात तो ये है कि जो तू सोच रहा है ना, वही सच है। वही सच है, वही सच है। हाँ, लेकिन अगर तुझ में दम है तो साबित करके बता दे मेरे बिशंबरू। साबित करके बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा साले कि तू भी देखता रह जाएगा। क्यों, खाना मजेदार है ना? तुमने बनाया? मेरी माँ ने बनाया। अच्छा है, खाले खाले फ्री का। यार मुझे लगता है मैंने अपनी बेटी का काफी दिल दुखाया है, इसलिए। अरे यार, दिल दुखाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बस तू खुशी खुशी अपनी 14 दिन की छुट्टी गुजार कर वापस चला जा, यही हम सबकी खुशी। लगता है तुम्हें काफी थकावट हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। उड़म खड़म रास्ते है ना, हड्डियों का सुरमा बन गया। जाओ बेटे, जाओ जाके सो जाओ। अच्छा जी, जाओ आराम करो। मैं भी जरा अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ, और अपनी गाली गलौज का जो प्रोग्राम है ना, वो कल कर लेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आ कमरिया बेटे। बेटे, तुम्हारी पसंद हमें बेहद पसंद है। इतना अच्छा कद, इतना खूबसूरत, और सबसे बढ़कर इतना ऊंचा कैरेक्टर। बहुत अच्छा कमाती है तुमने, बहुत अच्छा। बेटे, मैंने जो तुम्हें दुख पहुंचाया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हालांकि तुम अभी शादीशुदा हो,
लेकिन मेरी नजरों में तुम बच्ची रहोगी ना। ये लो, पूरे 1000 है। तुम्हारे कहने से थोड़ी यकीन कर लूंगा। अरे तो बैंक में जाके चेक करवा लो। 9 नोट है। अबे कभी 1000 नोट गिने हैं क्या? पूरे हैं, 9 नहीं है। ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा क्यों? देखा नहीं इतना बड़ा छेद है, रखो। पता नहीं कहां से भीख मांग कर लाता है। अरे ओ, मैंने नोट घर में छापे हैं क्या? अरे क्या रे, जो ऐसे नकली दामाद को पाल सकता है क्या वो घर में नकली नोट नहीं छाप सकता? देखो तुम तमीज से बात किया करो। ये लो। तमीज से तो बात कर रहा हूँ। अरे फिर वही नोट। ये देखो, एक बात बोलूं क्या? ये फकीरों की तरह छुट्टे देने की बजाय 20,000 रुपए एक साथ क्यों नहीं दे देते? तुम्हें देने की तकलीफ कम हो जाएगी और मुझे लेने की। जो आदमी एक अंग्रेज की पतलून और कमीज लेकर भाग सकता है वो क्या 20,000 हाथ लग के ठहरेगा? अरे एक बार मेरा विश्वास तो करके देखो। विश्वास तो तुम्हारा, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ नहीं तो ये पैसे भी छीन लूंगा। जात दिखा दी ना। किसकी? वकील की। अरे मैंने नहीं कहा, किसी शायर ने कहा है। क्या? पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। अरे बाबा, क्या बोला? क्या बोला? हट हट। राधा बेटी दूध नहीं चाहिए मुझे। वाह, इतना आराम करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तुम्हें भी आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। या कुत्ता, कुत्ती। अरे जा रहे। अरे तू जा रहे? कमरे से निकल। तू घर से निकल। मेंढक। किचनर की औलाद। बैल का बच्चा। चिमगादड़ की बच्ची। खदा कहीं का। कॉकरोच की बच्ची। बंदर की औलाद। छिपकली की औलाद। चल चल। कॉकरोच, चिपका, चिपकी, चुचंदा, छैस, बैस, भूत, सब कुछ। मैंने पहले बोल दिया, खत्म बस। ये हाथी है ना? नहीं। ये घोड़ा है ना? नहीं। ये धान कूटने वाली मशीन है ना? अरे कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं ये हरकतें कर रहा हूँ कि मैं पागल नहीं हुआ हूँ। हाँ। अरे पागल हमें बनाया जा रहा है। वो शक्ल से चोर नजर आने वाले उचक्के को पति का पोस्टर लगाकर मामा जी को धोखेबाजी का फोन लगाया जा रहा है। मामा, माँ, वो दोनों पति पत्नी नहीं है। हाँ? वो दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दो सौतनी लड़ती हैं। और पता है पति पलंग पर सोए है और राधा जमीन पर। हाँ, देखा, ये दाल का काला पहले ही मेरी आंखों में खटक रहा था। हाँ। ये साजिश है, मगर मैं इस साजिश की टांगे तोड़ दूंगा। ये चालबाज अगर यहाँ का साहब बन गया, नहीं नहीं, मेरे अंदर का राजा साहब ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेकार सोच सोच के क्यों परेशान होता है? ये बेकार की नहीं माँ, बहुत काम की सोच है। और अब मैं ऐसा काम करूंगा कि दुश्मन नाकाम हो जाएंगे। सरकार, मैं शकुरा आपका सेवक, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आओ शकुरा, आओ। तुम्हारी सेवाओं के बिना तो ये जीवन सूना है। विजय, जब इन लोगों ने मुझे अपना राजा चुना था तब यही कंठमाला मेरे गले में पहनाकर मुझे सम्मान दिया था। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार जब भी इस राजवंश में कोई लगन होता है तो पति पत्नी को पूजा करनी पड़ती है, चंद रस्में अदा करनी पड़ती हैं। शकुरा, अपनी रस्म शुरू करो। हाँ, ये पहली रस्म है। इस कन्या पर जो भी भूत प्रेत मंडला रहा होगा तुम्हारे हाथों की चोट के द्वारा भाग जाएगा। लो, अपनी पत्नी की हथेली पर हल्का सा वार करो। नहीं नहीं, हल्का सा वार करने से इनके ऊपर से भूत प्रेत नहीं जाएगा। माँ काली, मारने वाले कितने रिवाज हैं, जरा जल्दी जल्दी बताओ ताकि मार मार के इसका भूत उतार दूं। नहीं, अभी नहीं। इस गांठ को खोलने का मतलब खुशियों को मिटाना है। ये गांठ आज की शाम मंदिर में मेरे हाथों खुलेगी। नमस्ते।
बोलो। अरे झुंझुन वाला साहब, मंदिर कब जाना है? 6 बजे। 6 बजे? मौसम ठंडा है या गर्म? पता नहीं, चलो बाद में पता कर लेंगे। वैसे अभी टाइम क्या हुआ? मेरे 11:45 है, वैसे 3 बजे है। ओ, बहुत टाइम है, फिर तो मैं आराम कर लेता हूँ। अरे झुंझुन वाला साहब, मैं तो भूल ही गया था, अगर मैं सो गया ना तो मुझे वक्त उठा देना, तो मैं सोने जाता। अंकल, अंकल, इस डीजे से कहो कि गार्ड खोल दे। अरे नहीं नहीं, गार्ड मत खोलिए, शकुना सदा ने कहा कि अशुभ होता है। यहाँ की जो देवी है वो बहुत स्पेशल ही है ना। अरे तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा कीड़ा चल रहा है? काटने वाला। शाम को जब पैसे लेने आओगे तो ये कीड़ा तुम्हारा क्या हाल करेगा देखना। अभी अभी जो रस्म हुई, 2-4 ऐसी रस्में अगर मंदिर में हो जाए तो मजा आ जाएगा। कुंदम 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 कुंदम, छोटे सरकार तुम मिस कपूर को अपनी हथेली पर रखकर जलाओगे और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा पांव छूके तुमसे आशीर्वाद लेगी, तब जाके ये लगन शुभ लगन कहलाएगा। भाई साहब, ये हथेली पे आग लगाना ठीक नहीं है। अरे नहीं, ये तो यहाँ के रस्म रिवाज है भाई। अरे मेरी हथेली जल जाएगी यार। अरे ये तो राधा के नमस्कार करके उठने के बाद देखते हैं क्या होता है। शकुरा जी शुरू हो जाइए। बेटी इतना आशीर्वाद जाओ, बहुत पति मिलता है बेचारी। मंदिर में जो रस्म हुई है, 2-4 रस्में सुबह सुबह हो जाए तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाए, मैं तुझे मजा दिखा दूँ। क्या जिंदगी मेरी? छोटे साहब, आवारा बैल की तरह इस सूखे पेड़ पर उदास क्यों बैठे हैं? बैल होगा तेरा बाप। अबे क्यों जलते दिल पर तेल फेंकता है? उस भीख मंगे पति को ढोंगी साबित करते करते लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। छोटे साहब, अगर मैं आपके दुश्मनों को पागल कर देने वाला टोटका बता दूं तो अब की बार आप मुझे बाल कटाने के लिए पैसे दे देंगे ना? अरे तेरी खोपड़ी के बाल के क्या, तेरी गर्दन काटने के भी पैसे दे दूंगा, जल्दी भाग। अरे छोटे साहब, राजा साहब के पास तस्वीर निकालने का जो इंजन है, अरे कैमरा है। हाँ वही वही, जब रात को नकली पति और पत्नी अलग अलग सो रहे हो तो मैं जाके बीच में सो जाऊँ। अरे काय को पिट बता यार। अरे नहीं, उनकी तस्वीर खींच लो। तस्वीर खींच के क्या करूँ? राजा साहब को दिखा दो। समझ गया, उनको अलग अलग सोते हुए देखकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे क्या टोटका है यार। मेरी नजरों से बहुत नीचे गिर चुका है। इतनी रात गए इनकी बेटी के बेडरूम में तांग झांग करने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस मामले में अपनी जबान मत हिलाओ। मामा जी आप, मैं तेरी आवाज सुनना नहीं चाहता, निकल जाए यहां से। गेट आउट, गेट आउट। आउट मरवाया तुमने।
हे माता दी, इसे क्षमा कर दे, अभी कभी पाप नहीं करेगी। जय जगदम्बा। बोलो क्या कर रहे हैं? बेटे ये यहाँ के आदिवासियों की एक रस्म है, जिनसे कोई पाप हो जाता है वो यहाँ पर आकर मंदिर के घंटे से अपना सर 10 मर्तबा टकराते हैं। उस घंटे की आवाज सुनकर देवी माँ प्रकट होती हैं और उन्हें क्षमा कर देती है, ऐसा इनका विश्वास है। अरे बेटे विजय, 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 बेटे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ उदास हो। जिन्हें उदास नहीं, फिक्रमंद हूं। वो क्यों? वो क्या है कि मेरे इकलौते मामा की इकलौती बेटी की शादी है। ओ। चिट्ठी के 20,000 रुपए की जरूरत है। सोच रहा हूँ शहर जाकर बैंक से उठाकर भेज दूं, आप परसों शाम तक वापस आ जाओ। भाई कमाल करते हो तुम, 20,000 के लिए शहर जाने की क्या जरूरत है, मैं दे दूंगा। आप जी इट्स ऑल राइट, मेरा दामाद है, कोई गैर नहीं है। डोंट बी सिली। कब कब कब? बुआ जी, अंकल कहाँ हैं? वो कहीं बाहर गए हैं। क्यों? नहीं कुछ नहीं। ये लो पूरे 20,000 है। पिताजी मैं बैंक से ड्राफ्ट बनाकर अभी आया। देखो यहाँ बैंक में तुम्हारी पहचान नहीं है ना, अंकल को आने दो फिर चल जाना। नहीं नहीं, अंकल के आने तक सब गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? जी वो बैंक बंद हो जाएगा ना। शादी का मामला है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ, जाकर पैसे भेज। अच्छा मैं जरा जल्दी चलता हूँ। जाओ 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 जाओ, शाबाश। अंकल अंकल। क्यों भैया, मिठाई लेकर किसको डायबिटीज की बीमारी देने जा रहे हो? नहीं नहीं, विजय के मामा की चिट्ठी आई थी, उन्हें शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने दे दिया। जा। समझ गया ना? हाँ, बिल्कुल। तो मैं बैंक में जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर यूं आया। बच्चे तुम अभी हमें ठीक से समझे नहीं, हम ठहरे सरकारी वकील जो हमेशा सरप्राइज देते रहते, हारते हारते अचानक मुकदमा जीत जाते हैं। जी पहले तो तुम्हारे मामा की चिट्ठी पढ़कर मैं खूब रोया, फिर तुम्हें परेशानी ना हो ये सोचकर मैं अभी अभी बैंक ड्राफ्ट उन्हें भेज कर आ रहा हूँ। अच्छा डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया, मगर पता? चिट्ठी के पीछे लिखा हुआ था मेरे बैंक अकाउंट नंबर। चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए और इसे अंदर रख दीजिए। अब तो खुश होना कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। हाँ बहुत खुश हूँ, अंदर मेरा मन कपड़े फाड़ कर नाच रहा है, मारे खुशी के रोना आ रहा है। कभी कभी रोना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्यों जी? हाँ जी। दोबारा कभी ऐसी हरकत ही तो भेजा फाड़ के उसमें गोबर भर दूंगा, मैं बड़ा सरफिरा आदमी हूँ, समझे? चोर कहीं का, डाकू कहीं की। भाई साहब, मेरे भिशंबर के बारे में आपको गलतफहमी हुई है। इसकी हरकतें मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भाई साहब, हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, इसलिए बतला रही हूँ। जब से राधा और उसका पति यहाँ आए हैं, दोनों में झगड़े होते रहते हैं। झगड़े की असली वजह जानकर सबूत के साथ आपको सच्चाई बतलाने के लिए इसने वो हरकत की थी। बेबुनियाद बातें बनाकर मेरे दिल में मेरी बेटी और दामाद के रिश्ते के खिलाफ कड़वाहट उगलने की कोशिश मत करो सुभद्रा। लेकिन भाई साहब, क्या राधा मेरी बेटी समान नहीं है? यहाँ पर जो हो रहा है आप उसे बिल्कुल बेखबर है, इसलिए आपको हमारी सच्चाई भी झूठ लग रही है। वो कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आज रात को उनके दरवाजे से कान लगा कर सुन लीजिए सुभद्रा, तभी आपको हमारी बातों पर विश्वास होगा। ए जल्दी आना। हे भगवान, ये कैसे पागल से पाला पड़ा है? ए, तू पागल, तेरी मौसी पागल, तेरा झुनझुन पागल, तेरा बाप पागल। बदतमीज, खबरदार जो मेरे पापा को कुछ कहा तो। यू मंकी, इडियट, स्टूपिड, यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। ये क्या रहा, क्या रहा है? ले तेरा सफेद भालू आ गया। क्या क्या कहा तुमने? मैं कुछ नहीं, ये मैडम आपके जितने खूबसूरत नाम है ना, एक एक करके गिनवा रही थी। क्या? ब्लडी फूल, मंकी, इडियट, गुड फॉर नथिंग,
और क्या बोला? हाँ, कुत्ता, सुअर, जंगली। वो तो मैं हूँ। अच्छा? हाँ, बल्कि उससे भी क्या गुजरा। क्या बोलता? जो तू जैसे के साथ ऐसा बेवकूफी का सौदा किया, अब मुझ पर एक मेहरबानी कर। करूंगा, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा फीस लूंगा। अरे दूंगा दूंगा, 1,00,000 रुपया दूंगा। झूठ मूठ के सबने मार दिया। अरे नहीं, सच बोल रहा हूँ। पहला एक काम कर दे। चल जल्दी बोल। दोनों हाथ ला, ज्यादा चालाक मत बन झुंझुन वाला। तू मर गया तो मेरा पैसा कौन देगा? अबे वो पैसे के लालची, मैं सब मुसीबतें तुझे खुश करने के लिए नहीं झेल रहा। मुझे तो उस आदमी पर तरस आता है। मैं उसकी आंखों में दुख के तैरते हुए आंसू नहीं देख सकता। मुझे डर है कि कहीं दुख से उसका दिल न फट जाए, इसलिए मैं तेरे सारे नखरे बर्दाश्त करता। बस बस बस, लेक्चर बंद करो और बताओ कि इतने दुखी क्यों हो रहे हो। ये जो तुम दोनों के बीच में महाभारत चल रही है ना, उसका पता राजा साहब को चल चुका है। अंकल, विशंबर की मां तुम दोनों की किस्तों की पोटली खोल चुकी है। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उनकी बातें सारी मेरे कानों पड़ गई। आज रात राजा साहब मामले की तहकीकात करने खुद तुम दोनों के कमरे में आ रहे हैं। अब बचने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? इधर आओ। राधा मेरी जान, मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि तुम जैसी सपनों की रानी मेरी जिंदगानी बन गई। ओ राधा, पता है मेरे पापा तुम्हें दिलो जान से चाहने लगे हैं। राधा, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे डैडी जैसा नेक, रहम दिल और अच्छा इंसान नहीं देखा। राधा, मन करता है तुम्हारे होठों को चूम। अरे ये क्या कर रहे हो? कोई देख रहा है? कौन? चंदा। छुप जा दो प्यार करने वालों का ना देख तमाशा, दो प्यार करने वालों का ना देख तमाशा। Hola.
नहीं आती, ये तो है खेल जवानी का। तू हो गया बुढ़ा, जा जारे जा शरम चंदा, कहीं छुप जा छुप जा छुप जा। दो प्यार करने वालों का ना देख तमाशा, दो प्यार करने वालों का ना देख तमाशा। छुप जा छुप जा छुप जा, वो प्यार करने वालों का ना देख तमाशा, वो प्यार करने वालों का ना देख तमाशा, वो प्यार करने वालों का ना देख तमाशा, वो प्यार करने वालों का ना देख तमाशा। तू आदमी नहीं कुत्ते की तुम है, जो 12 साल के बाद टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मामा जी, मुझे स्वर्गीय मामी जी की कसम, ये सब इन लोगों की टेढ़ी चाल है। तेरे क्रिकेट वॉक। अगर तूने अपनी ये लोमड़ी वाली चाल बंद नहीं की तो मैं तुझे मार मार के दुम्बा बना दूंगा। इडियट। माँ, क्या मैं इस घर का कुत्ता हूँ? जो भी आता मुझे लात मार के चला जाता है। अंकल, खाना तैयार है, चलिए। और उस गधे को भी बुला लीजिए। गधे को भी, चल गधे। टेढ़े, खाने से पहले छोटा सा हो जाए एपेटाइजर। कम ऑन, ससुर और दामाद के बीच में ये शर्म और लिहाज किस लिए? ठीक है, आप कहते तो आज आज नहीं और कभी पी लूंगा। आज भूख लगी है, बहुत ज्यादा खाना खाऊंगा। इतना कम? तुम्हारा शरीर डबल रोटी की तरह फूल रहा है। एक महीना डाइटिंग करनी है तुम्हें, वरना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कम करने को कहा है। ये झूठा है, झूठा है। डॉक्टर ने कहा बेटी? आप बीच में टांग मत अड़ा। जो डॉक्टर ने कहा है वही होगा। अरे लेकिन बेटे, ये तुम्हारा पति है। हाँ, और पति की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पत्नी का परम धर्म है ना। बेचारा भूखा रहेगा तो तुम पर पाप चढ़ेगा, बेचारा मर जाएगा। भूखा क्यों रखूंगी? मैंने इनके लिए खास जूस बनाया है। आ, जूस है? हाँ। जूस है तो ठीक है, ये खाना नहीं चाहिए। जूस लेकर, जूस लेकर। विजय, पति पत्नी का प्यार क्या होता है ये दुनिया वाले आकर तुम दोनों को देखें तब पता चलेगा उनको। ये तो पता चल ही रहा है। ये रहा आपका जूस। 10-15 करेलों को निचोड़कर मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि डॉक्टर ने खास तौर से पिलाने को कहा है। ये नहीं। या, क्या या? मैं करेले का जूस नहीं पीऊंगा। बेटे, ये करेले का जूस तुम्हारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये दवा भी है और टॉनिक भी है, पियो। टॉनिक है। ये तुम्हें और मजबूत करेगा, पियो इसे। मैं सब नहीं पीऊंगा। इन्हें पीने के लिए कहिए ना पापा। बेटे, ये करेले का जूस ही तो है, कोई जहर थोड़े ना। पियो, पिलाओ बेटी, पिलाओ इसे। नहीं, मैं खुद पीऊंगा। मैं खुद पीऊंगा। देखो बेटे, कड़वा होगा तो सोने से पहले एक गिलास दूध का जरूर पी लेना। तिक्की छुरी, पैसों की जरूरत ने मेरे पैर बांध रखे हैं। तुम लोगों को बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, वरना तुझे और तेरे झुंझुन वाले को ऐसा घुमाता कि हाथ में झुंझुना लेकर पागल भिखारी की तरह फिरता रहता। ए, सुनती है कि कान में रुई पड़ी है? ए, मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ,
ये तू तड़ाक वाली जबान मुझ पर चलाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम करेले के कड़वे रस पिलाओगी तो मेरी जुबान इससे भी कड़वे कड़वे बोल सुनाएगी, इतने कड़वे कि तुम खड़ी खड़ी करेले की बेल और नीम का झाड़ बन जाओगी। राधा बेटी दूध पी लो। अच्छा दूध लेकर आओ, जा भूख लगी। अभी तक सोई नहीं आंटी, अभी सोऊंगी। लाला जरा देख लो शक्कर बराबर डाली है कि नहीं। हाँ अभी बताती हूँ। वाह बहुत अच्छा, एकदम बराबर। अब तुम सो जाओ। हाँ खाली पेट हो तो नींद बहुत मीठी आती है, सो जाओ। अरे मुझे मीठी नींद सुलाने वाली इसे एक ग्लास दूध का ऐसा बता लूंगा कि देखना तू बाल्टी भर भर कर आंसुओं से रोएगी, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी विजय नहीं। दादो क्या पत्ता दिया है भाई? मच्छर बात हो गए। क्या बात है सनी? हाँ बेटे चेहरे पर उदासीनता क्यों है? जी वो कमॉन स्पीक अप, बोलो 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 क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ कि सोचने का काम हमारा है। ठीक है बतला देता हूँ। कमॉन घबराओ नहीं घबराओ नहीं, अरे ससुर और दामाद के बीच में पर्दा कैसा? कमॉन स्पीक अप। जी वो क्या है कि मैं अपनी माँ की चौथी औलाद हूँ, मेरे से पहले तीन मरे हुए पैदा हुए थे। जी ज्ञान धन वाले ज्योतिषियों ने कहा कि हर रोज तुम्हारी माँ को बर्फ के पानी में सर से पांव तक नहलाकर भीगे कपड़ों में जमीन पर लुढ़काते हुए मंदिर तक ले जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा चौथा बच्चा भी मरा हुआ पैदा होगा। तो मेरी माँ ने वैसा ही किया, तब जाकर मैं जिंदा पैदा हुआ। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे बतला दिया था कि बेटे तेरी शादी के बाद तेरी पत्नी के शरीर में वही भूत प्रवेश करेगा, तो तू तेरी पत्नी को बर्फ के ठंडे पानी में सर से पांव तक नहलाकर भीगे कपड़ों में जमीन पर लुढ़काते हुए मंदिर तक ले जाना, वरना मेरी भी औलाद मरी हुई पैदा होगी। लेकिन मैं राधा को इतना कष्ट दूं, तेरी मेरा मन नहीं मानता। नो 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 सनी, मन को मारो गोली और अपनी होने वाली औलाद के बारे में सोचो। तुम्हारे तीन भाइयों की तरह अगर वो भी कहीं मरी हुई पैदा हुई तो ऐसे जीने से क्या फायदा? लेकिन इतनी ठंडी के मौसम में सवेरे सवेरे बर्फ के पानी में मेरी राधा नहाएगी, ये सोचकर मेरा दिल डूबने लगता है। नहीं डैडी नहीं, इतना बड़ा अत्याचार मैं अपनी पत्नी पर होने नहीं दूंगा, चाहे मेरी औलाद मरी हुई क्यों ना पैदा हो, मुझे परवाह नहीं। अपनी बेटी को थोड़ी सी तकलीफ से बचाने के लिए मैं अपने खानदान के चिराग को बुझने दूं? कभी नहीं बेटे, मरने से पहले मुझे भी तो नाना कहकर पुकारने वाली आवाज सुननी है। अरे यार ये जो कुछ कह रहा है पुरानी दकियानुसी बातें हैं, इन पे चलना सरासर बेवकूफी है, जहालत है। नो 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 नो, धर्म की बातों पर मेरा पूर्ण विश्वास है। यस अभी आए। ये सब क्या है? उसने मुझे कड़वा जूस पिलाया, मैं उसे बर्फ के पानी में नहलाऊंगा। यह है घमंडी गर्दन तोड़ने के नुस्खे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा, ये सब फजूल बातें हैं। नो नो, ये बातें फजूल नहीं है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की बनाई हुई रस्में हैं। इनको समझना उन पर चलना हमारा फर्ज है। कल को भगवान न करे अगर तुम्हारी औलाद मुर्दा पैदा हुई, मेरा तो दम ही उखड़ जाएगा। ये एक बात मेरी तुमको माननी पड़ेगी। ओके विजय, ये दूध का कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो तुम? मैं जगदम्बा माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस शेरनी को ठीक कर दे, जितना चाहे दूध पी ले। जय जगदम्बा। रुदम 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 भूखा पेट माँ कड़वा जूस पिला। जय जगदम्बा। ये जूस का क्या श्लोक? इस श्लोक पे बिल्कुल सही जा रहा है। दरअसल जब आप अमेरिका चले गए थे तो श्लोक बदल गए, आरती बदल गई थी। वो जय जगदीश जय जगदम्बा
जय जगदम्बा। जय जगदम्बा। इस नालायक लड़की की रक्षा कर माँ, इस डायन को सबक सिखा माँ, इसे ठीक कर दे माँ, 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 इसे जिंदगी भर के लिए ठीक कर दे माँ, रुतम, 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 बच्ची, 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 भैया, अबे ओ मुसीबत की अगरबत्ती, तू यहाँ कैसे चला है बे? अरे तुमको ढूंढते ढूंढते बस की टिकट में सारे पैसे खर्चे हो गए, एक एक पैसा सूद के साथ वसूल करके जाऊंगा। कैसे बोले थे कि अंग्रेज का आधा आधा माल बांट लेंगे, तुम्हारे बोलने पे मैं दरिया में कूदा और तुम मुझे धोखा देके भाग गए। अबे ओ लंबाई के तसव्वुर में जीने वाली बचपन की लानत, उस कंगाल अंग्रेज के पास एक दमड़ी भी नहीं थी सिवाय उसके सफेद चमड़ी के। वाह वाह वाह, तुम क्या समझते हो कहानी सुन के मैं वापस चला जाऊंगा? मैं पैसे लिए बगैर यहाँ से हिलने वाला नहीं। अच्छा तो तेरे को हिस्सा चाहिए? और नहीं तो क्या? तो फिर सुन, मुझे उस अंग्रेज से 150,000 रुपए मिले हैं और 100,000 सोने के बिस्किट। अरे वाह। लेकिन मैं उसमें से एक दमड़ी भी तुझे नहीं देने वाला हूँ, अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे से ले लेना। पैदाशी नल्ला साला। मैं भी अपना हिस्से का रुपया लिए बगैर यहाँ से हिलूंगा थोड़ी। अरे यार झुंझुनवाला, सिर्फ तारों पर लगे जालों को ही नहीं, यादों पर पड़े जालों को भी साफ कर, ताकि कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएं यार। हाँ यादें तो गुलाब के फूल के खुशबू की तरह ताजा हैं। हाँ। ये साला मैं तो बदकिस्मती से वकील बन गया, वरना आज का हिंदुस्तान का महान गायक होता। तुम्हें तो पता ही है ना कि कॉलेज के दिनों में कितना खूबसूरत गाता। तुम कितने बेसुरे थे। फिजूल की बात मत करो, देखो झूठ मत बोलो, जरा सुर दो अभी देखो। अच्छा दो। अच्छा हाँ हाँ चलिए ये लीजिए। Oh,
सबका एक सहार बिरज माँ आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ आयो रे आयो नंदलाल बिरज माँ आयो रे आयो नंदलाल नि सा 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 नि नि सा 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 नि नि सा ग ग सा सा नि नि सा ग ग सा सा Bani sa sa sa, kama bani sa sa sa, sabo maga sa ni ni, sabo maga sa ni ni, ni sa ga ga sa ni ni, ni sa pa maga sa ni, ni re ma ni ma re ni re ni pa ma. Kama bani sa, kama bani sa, kama bani sa, ayo re ayo nande dal, viraj ma, ayo re ayo. Sa ni da pa maga ga ga ga, kama bani pa maga sa sa sa, kama pa sa sa ni 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 ni, ni da pa maga sa sa sa. Ni sa ga ga sa ga ma ma ga ma pa pa ma pa ni ni sa ni sa pa ni ma pa ga ma ga sa sa ni sa pa ni ma pa ga ma ga sa sa ni sa pa ni ma pa ga ma ga sa. Ayo re ayo Nandlal, ayo re ayo Nandlal, ayo re ayo Nandlal. पहले तुमने मेरा गाना पसंद किया, उसकी तारीफ में तालियां भी बजाई, फिर तुम्हें याद आया कि मुझ पर खुन्नस निकलनी चाहिए और तुमने सड़ा हुआ मुंह बनाकर छींची करते हुए हाथ झटके। तुम्हारी इस गंदी और ओछी हरकत पर मैं तुम पर लानत भेजता हूं। विजय, विजय सुनो, विजय बेटे तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, शहर से तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुमसे मिलने आया है। मेरा रिश्तेदार? हाँ, कह रहा था तुम्हारे मामा का लड़का है। मामा? यस। किधर है? पचास रोटियां खा चुका है, सारे भूखे फकीर यहीं आ रहे हैं। खा ले बेटा, खा ले, बाप का माल। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, पुलाव खाऊंगा। अंकल पुलाव देना। पुलाव? अरे वो यहाँ कैसे आ गया? अरे भाई के साथ छुट्टियां गुजारने आया होगा। छुट्टी नहीं, वो अंग्रेज। अंग्रेज? अंग्रेज नहीं, वो अंग्रेजी ट्यूशन के डर से इधर भाग के आ गया। चल उठना। उठ। अरे रे, खाने दो बेचारे को, बच्चा है। बच्चा नहीं, एकदम कच्चा है। चल उठ। उठना, अब अंग्रेज के बच्चे। चल। दोनों भाइयों में कितना प्यार है, दोनों भाई बहुत स्मार्ट हैं। तू वे कुत्ते। मेरा भाई कैसा है तू? अच्छा। खाना खाया? खाने का दिया मुझे। खाना कैसा लगा? भैया, अबे खुजली वाले कुत्ते के पीले, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ? आखिर तू चाहता क्या है? अरे वो अंग्रेज के हिस्से में का आधा माल। माल? अबे वो अंग्रेज इतना कड़का था, उसकी जेब में 5 पैसे भी नहीं थे। अरे वाह वाह, अंग्रेज कभी कड़के होते हैं क्या? हाँ, किसी देसी आदमी के बारे में बोलो तो मैं मान भी लूं। अबे वो अंग्रेज की औलाद, वो अंग्रेज था ही नहीं। हा? कोड़ की बीमारी की वजह से गोरा हो गया था। मुझे घुमाओ मत, मुझे घुमाओ मत। वो कम से कम 10,000 का बकरा था, 10,000 का। अच्छा अच्छा, तो तू उसमें से 5,000 रुपया हिस्सा? 5,000? अबे मैं तो वो हूँ कि आम खा के गुडली भी ना दूं। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो लात मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मुझे रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। लो लो भैया पैसा और रास्ता नापो यहाँ से। ये 200 रुपए में इतना लंबा रास्ता कैसे नापू साहब? अच्छा अच्छा, तो ये रास्ता नापने के लिए तुझे 2,00,000 रुपए का फीता चाहिए। अच्छा, लो 100 रुपया और 200 रुपया हो गया ना। अरे यार 200 रुपया और भागो यहाँ से। देखिए साहब, जब तक उस अंग्रेज के माल का आधा हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं तेरा थोपड़ा फोड़ दूंगा। देखिए, आप मेरा थोपड़ा फोड़ेंगे, मैं आपका भांडा फोड़ दूंगा। अरे रुक जा, रुक जा। मैं इसकी सारी तमन्नाएं और इसकी सारी समस्याएं समझता हूँ, उन्हें पूरी कर आता हूँ। आ जा मेरे मुन्ने, तू मेरे साथ आ जाता हूँ। अरे नहीं 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 सकूर, ऐसे नहीं, इस पर कोई ऐसा मंत्र मारो कि इस इलाके में नजर ही ना आए। आप तो मुझे
बदला देने के लिए कह रहे थे, ये किन भूतों के बीच में लाके खड़ा कर दिया? उस अंग्रेज से जो मिला था तुम्हें उसका आधा चाहिए ना? जी आधा चाहिए। मिल जाने पर भाग जाओगे? बिल्कुल भाग जाऊंगा। तो फिर सुनो, उस अंग्रेज ने विजय को कुछ नहीं दिया था, जो कुछ दिया था वो मुझे दिया था। अच्छा तो आप आधा दे दीजिए प्लीज। आधा क्यों बेटा, पूरा लो। सब गुरा भाई जरा एक मिनट रुक जाओ। चिकन की रबड़ है माँ, तेरे किचन में खाने की तरह मेरे दिमाग में प्लान पक रहे हैं। ओहो। और जिस दिन वो पक कर तैयार हो जाएंगे, जैसे हांडी से चावल उबल कर बाहर निकल जाते हैं, उसी तरह उसे लाते मार मार के मैं इस महल से बाहर निकाल दूंगा। तू चुपचाप खाना खा और अपने मामा जी की आंखों के सामने मत जा, वरना महल के बाहर तू पड़ा हुआ मिलेगा वो नहीं। माँ माँ, राधा के गले में तो मंगलसूत्र ही नहीं है। मतलब ये शादी नहीं हुई, शादी के नाम पर नाटक हो रहा है। माँ तुम फिक्र मत करो, इस नाटक का पर्दा मैं फाड़ूंगा। अब घर से बाहर वो होगा, मैं नहीं। जीत विशंबर की होगी। अरे बाहर बाहर बाहर, छोटे साहब जी समझ ले, छोटा साहब अब राजा साहब बन गया। उनकी चोरी पकड़ी गई, राधा के गले में मंगलसूत्र आई नहीं, ये बात मामा जी को बता दिया। बस तो फिर आप आराम से क्यों खड़े, जाके बताइए बताइए बताइए। अरे मामा जी सैर करने को गए, तू एक काम कर, तू इधर से जा मैं उधर से जाता हूँ। अगर तेरे को उधर मामा जी मिल गए तू ये मंगलसूत्र वाली बात उनको बता देना, अगर मुझे मिल गए तो मैं बता दूंगा। मामा जी मामा जी, मामा जी को देखा नहीं देखा? कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। मामा जी मामा जी, सुन यहाँ से तूने राजा साहब को जाते हुए देखा है? पता नहीं, मैं तो अंधा हूँ। अबे तो आग लेके पैदा होना था। मामा जी, ओ मेरे इकलौते मामा जी। इसमें क्या है ना इस पर? हाँ साहब, और उस तरफ उधर भी हो गया साहब, दूसरी तरफ। मामा जी मामा जी मामा जी हाँ। मामा जी, जो आदमी आपका दामाद बनने का दावा कर रहा है उस चोर को मैंने सबूत के साथ पकड़ लिया। अच्छा। अब कहाँ जाएगा वो बच के? अब कोई और नया शोशा छोड़ने आए हो तुम? ये शोशा नहीं है, सच्चाई का तोशा है। आपकी बेटी के गले में मंगलसूत्र है नहीं। तुम भक्ते हो, बेहुदा बकवास करते हो तुम विशंबर। जाकर अपनी आंखों से देख लो, उसका गला पति के लाइसेंस से खाली है। विशंबर, अरे के साहब, अरे ओ भाड़े के साहब, अब तुम्हारा नाटक खत्म हो गया। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, राधा के गले में तो मंगलसूत्र ही नहीं है। थोड़ी देर में सारे गांव को पता चल जाएगा। मैं ये खबर राजा साहब को देने जा रहा हूँ। नकली साहब, मेरा तन खोले, मेरा मन खोले। ये यहाँ की जमीन इतनी चिकनी है कि फिसला फिसली फिसली, बस यूं समझ लीजिए कि मैं संभल गया। बेटी, तुमने अपने गले में इतने सस्ते किस्म का मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? इसमें हीरो की माला क्यों नहीं पिरोली? वो क्या है कि अभी तक इनके मन पसंद का मंगलसूत्र मिला ही नहीं, इसलिए भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथों का पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र भी काफी है। भाई आई एम सॉरी, मैं बेवक्त तुम लोगों को देखने चला आया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मन शांत हो गया। आ, 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 आ,
विश्वास हो गया होगा कि मैं गलत आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल सही। सुभद्रा, तुम्हारे इस बेटे को फौरन पागलखाने में भर्ती करवा दो। मैंने तुम्हारे साथ जो जबरदस्ती की है, अगर उसकी सजा पूरी ना हुई हो तो और सजा दे सकती हो, लेकिन तुम्हारे जरिए मिलने वाली रकम का एहसान तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। राधा, ओ राधा, अरे तुम यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे दुनिया से मुंह मोड़ लिया हो। इतनी कड़ाके की ठंड है, इंसान तो क्या लंबे लंबे बालों वाली बिल्ली भी कंबल में घुस जाए, और तुम बिना शाल के। ये लो, ये लो, गरम गरम दूध पी लो, लो। फिर करेले का जूस पी लो। नहीं, आज करेले का रस नहीं। वो क्यों? पापा, डॉक्टर ने कहा है जितने दिन इन्होंने पिया है उतना ही काफी। ये डॉक्टर है या वकील? कानूनी पॉइंट की तरह मरीज का ट्रीटमेंट भी बदलता रहता है। ये बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि राजा साहब यहाँ 15 दिनों के लिए आए, और इन्हीं दिनों यानी आज के दिन हमें इनका जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा साहब, जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन की बधाई हो। हैप्पी बर्थडे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भाई, आज के बाद इस इलाके का राजा साहब मैं नहीं हूँ, बल्कि वो खुशनसीब इंसान है जिसने मुझे ढेर सारी खुशियों का राजा बना दिया। इसलिए आज के बाद ये कंठ माला मैं उसके गले में पहना कर उसे इस इलाके का राजा साहब बना। खुशी में आज रात जरा जाम शाम हो जा, दामाद। जरूर। आई टेल यू, इस आदमी ने मेरी इज्जत रख ली, मेरे खानदान की इज्जत रख ली। इस जैसा हीरे जैसा दामाद मुझे मिल गया झुंझुन वाला, अब मौत भी आ जाए तो मुझे उसकी परवाह नहीं। आई टेल यू, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। इस बात पर मैं एक पप्पी लूं? मुंह की पप्पी की जगह सर की पप्पी ले रहा है यार। झुंझुन वाला, उसी और नजे में नाक कान आँख सब एक जैसा लगता है। डैडी, और एक पप्पी लूं? डैडी, You are a very nice person. Thank you, बेटे। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। सच्चाई? हाँ, क्यों झुनझुन वाला? मेरी सच्चाई के झुनझुनी की आवाज से तुम गुस्से की बिन मत बजाना। कौन सी सच्चाई? मिस्टर बेईमान वकील साहब, ऐसे सच्चे प्यारे आदमी से सच्चाई छुपाना दिल में खंजर चुबाने के बराबर। अरे ऐसी कौन सी बात है जो पर्दे में है? अरे ये जब दो घूंट हलक के नीचे उतार लेता है तो नशा इसके सर के ऊपर चढ़ जाता है। आज कई घूंट उतार लिए इसलिए झूम झूम कर काट रहा है। नहीं डैडी नहीं, ये जरा बहुत चालू वकील है। मैं नशे में नहीं हूँ। नहीं नहीं, ना ही मैं हीरा हूँ और ना ही मैं सच्चा हूँ। मैं तो एक प्यारा प्यारा नन्हा मुन्ना झूठ। लेकिन डैडी, आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। बेटे, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो?
कांटों में उलझा हुआ सच सत्य। कड़वी शराब का असर है। नहीं डैडी नहीं, ये बात नहीं है। इसने मुझे किराए पर लाया है, किराए पर। अरे विजय, हम सब इस संसार नामी किराए के घर में उस भगवान के किराएदार हैं। अच्छा। और अच्छाई करके भगवान का किराया अदा करने की कोशिश करते हैं। झूठ झूठ बोल रहा है साला, झूठ। भाई बात तो बड़े ऊंचे लेवल की है। अच्छा, तो फिर तुम रोजाना मेरी मेहनत का फल क्यों देते हो? फल इस दुनिया में जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा ही फल दे देते हैं, और फिर तुम तो हमारे दामाद हो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं हूँ। सच कहा विजय ने, इस संसार में कोई किसी का कुछ नहीं है। रिश्ते हैं जो जन्म लेते हैं और फिर वक्त की धूल में मिट जाते हैं, है ना? अरे आओ, तुमने बहुत पी ली, तुम्हें घुमाता हूँ, आओ आओ। अरे अरे झुंझुनवाला, तुमको याद है जिस पुल पे हम मिले थे? पुल की बात उधर पुल में करते हैं। क्यों भाई? अरे अरे औरत के सामने तो डिसेंट बर्ताव कर। अच्छा, तो तुम मुझे डिसेंट बर्ताव का उपदेश देते? यस। तो उन्हें सच क्यों नहीं बोल देते? देख, ज्यादा बकवास की तो मार मार कर गाल सुझा दूंगा। तू मेरे गाल की बोटी बोटी कर या डबल रोटी बना, लेकिन तेरी जो चाल है ना बहुत खोटी है। इतनी ज्यादा खुजली हो रही है तो जाकर कमर में खुजली कर जा। गुड नाइट। गुड नाइट। ए सुभद्रा, कौन कहता है कि आप खूबसूरत नहीं है? आपकी शक्ल किसी हीरोइन से कम नहीं। एक मिनट एक मिनट। ए सुभद्रा, सुहासिनी सुकेशिनी कलंकिन, कलंगी नहीं, मंदाकिनी सुंदर अजीज। ए ए राधा, ए कहाँ जा रही हो? इस कन्हैया को कमिंग, आई कमिंग। ए हट रे, ए आई कमिंग, आई कमिंग। ए मेरी प्यारी प्यारी राधा, तुम जैसी बहारों की रानी को सोने के लिए तो फूलों का सेज होना चाहिए। जमीन पर सोने के लिए तो ये गरीब पैदा हुआ है। मेरे ख्वाबों की शहजादी, ये पलंग मैं तुम्हारे लिए कुर्बान कर रहा हूं। आज से ये ख्वाबों का सिंहासन तुम्हारा है। यू आर द लाइट ऑफ माई लोनलीनेस, लव ऑफ माई हार्ट, ड्यू ऑफ माई डेजर्ट, ट्यून ऑफ माई सॉन्ग, क्वीन ऑफ माई किंगडम। I love you, Radha. I love you. सुबह से राधा बिटिया को एक बार भी नहीं देखा भाई साहब। विजय बेटा, राधा कहाँ है? क्या वो नींद से अभी तक नहीं जागी? क्या कमरे में तो नहीं है? अरे तो फिर वो गई कहाँ? मगर वो घर से बाहर किसी को बताए बगैर जाती नहीं। एडवोकेट साहब, अरे एडवोकेट साहब। अरे ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे राधा तुम्हें कुछ बता के गई है। राधा रोज सुबह मुझे बेटी देकर जाती थी लेकिन आज नजर नहीं आई। कमाल है। राधा बिटिया, ओ राधा बिटिया। अरे यहाँ क्या चिल्ला रहे हो, बाहर जाकर ढूंढो उसे। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ चिल्ला रहे हैं, और आप भी नीचे आ जाइए प्लीज। राधा, राधा,
राधा 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 बेटे, तुमने अपने आप को कौन से गलती की सजा दी? भाई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी जो कर ली, इसी का प्रायश्चित किया शायद इसने। भाई प्रायश्चित तो पाप का किया जाता है, शादी तो पुण्य का काम है। खैर तुम आराम करो। ये तुमने क्यों किया बेटे? अंकल, मैंने विजय के साथ बहुत अन्याय और जुल्म किए हैं, उन गलतियों के लिए अपने आप को सजा देने का सिर्फ यही एक तरीका था। आर्टिकल नंबर। अंकल, खाने का वक्त हो गया है, उन्हें भी बुला लीजिए। उन्हें भी? अंकल, खाना लग गया है, उनको भी बुला लीजिए। अंकल, खाना तैयार है, विजय को भी बुला लीजिए। अंकल, खाना लगा दिया है, उनको भी बुला लीजिए। अंकल, खाने के लिए चलिए और उनको भी आने के लिए कहिए। राजा साहब, आप मुझे इतने कम दाम में सुंदर की लकड़ियां देते हैं कि इतने दाम में मैं कहीं से सुंदर की लकड़ियां खरीद ही नहीं सकता। अरे भाई, शेर के मुंह को जहां से खून लगेगा शिकार वहीं जाकर करता है, और फिर मैं कई सालों से तुम्हें मामूली लकड़ी के दाम में सुंदर की लकड़ी दे रहा हूँ। आप बहुत बड़े राजा हैं, ये लीजिए दाम। थैंक यू, जल्दी आना। ये संदल की लकड़ियां घास की तरह काट कर ट्रक में डालकर किसके हुक्म से ले जा रहे हो भाई? इन राजा साहब के हुक्म से। ये बदबू, ये राजा साहब, ये कौवा चले हंस की चाल और दुम कटा चूहा चले शेर की चाल। अरे ये चिमगादड़ राजा नहीं, असली राजा तो हम हैं। तू और राजा? अबे कभी राजा का फोटो देखा? फोटो हाँ देखी थी, एक भिखारी की, बिल्कुल तेरी शक्ल की। तू तो नहीं था? ए? क्या बोला तू? मुझको भिखारी बोला? तेरी तो साले नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी थाली में सुराख बनाता है, और तू थाली का वफादार बनकर पूरी प्लेट समाचार करता रहता है। सीधी तरह से संदल की लकड़ियां नीचे उतार दे, वरना 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 कुछ नहीं, मैं तेरी हड्डियों से चिमटी खाल उतार लूंगा, लेकिन ये माल नहीं उतारूंगा। मार इसको। रुक, एक एक करके नहीं, सब एक साथ आओ। अब बोल, धुलाई करे। पूछता हूँ मेरी इजाजत के बगैर तुमने मेरे जंगलों से लकड़ियां खरीदी कैसे? साहब,
इसने कहा कि ये यहाँ का राजा साहब है, तो हमने इससे लकड़ियाँ खरीदा और पूरा रुपया दिया इसको। ओ, 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 ओ। तुम मेरी कुर्सी पर कब से बैठ गए बिशंबर? मामा जी, किसी भी कुर्सी का खाली रहना शुभ नहीं होता है। हाँ। और जब आप यहाँ पर मौजूद नहीं हो तो क्या मैं राजा नहीं बन सकता? निकल जाओ, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। Get out of my house! तुम सब चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन भाई साहब, हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं पर भी जाओ। सुभद्रा, तुम्हारा ही नालायक बेटा तुम्हें कहीं पर भी जीने नहीं देगा। इसे माफ कर दीजिए भाई साहब। Nothing doing। राजा साहब, लालच में आकर इसने गलत काम कर दिया। शायद रुपए की कमी या मजबूरी में हो गया। आपके पास इतनी ज्यादा जमीन और जायदाद है, थोड़ा सा इनको भी दे दीजिए ताकि ये भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जी सके। मैं इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। राजा साहब, ये लड़कियां भी तो आपकी बेटियां हैं, इनकी शादी का जिम्मा भी तो गुनाह की जड़ हो सकता है। इसका मतलब जिस थाली में खाओ उसे विच्छेद करो। लाचारी ने इसे गलती करवाई है, इसे माफ कर दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से विजय ठीक कह रहा है। डैडी प्लीज। ठीक है, मैं अपने दामाद की बात टाल नहीं सकता, इसलिए सिर्फ इसलिए बात मान रहा हूं। नहीं, पहले आप अपने दिल को मना लीजिए। खुशी खुशी कोई चीज देने से ही सामने वाले को खुशियां हासिल हो सकती हैं। आप मुझसे वादा कीजिए, आप इनसे जो कुछ भी अच्छाई करेंगे खुशी खुशी करेंगे। अरे मान भी जाओ यार, मिलाओ हाथ और करो वादा। वादा वादा। पंडित ना शहनाई ना बारात, तुम्हारे गले मंगलसूत्र और एक अनजान आदमी से रिश्ता। अब वो अनजान नहीं रहा। मतलब? अंकल, अब वो मेरे मन में बस गया है। अच्छा? हाँ, विजय चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, मुझे पसंद है। सिर्फ तुम्हारी पसंद से बात नहीं बनेगी, क्या वो भी तुम्हें चाहता है? ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, तुम्हें बताना पड़ेगा। शायद इतना तो हक बनता है मेरा। अंकल, पापा कहाँ हैं? कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे डैडी विजय के कहने पर जायदाद का कुछ हिस्सा तुम्हारी बुआ के नाम करने गए हैं। देखो, तुम मेरी शराफत का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो। कल जज्बाती टेंशन की वजह से मैंने रुपए नहीं मांगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी भूल जाओ। चलो मेरा रुपया निकालो। बहरो हो क्या? ओ भाई, चल बस है। चलो अपनी जेब में हाथ डालो, रुपया निकालो। आजकल रुपयों के मामले में हाथ जरा तंग है। अरे तुम अपने हाथों की तंगी की वजह से मुझे तंग मत करो। चलो मेरा रुपया निकालो। ऐसे रुआब से पैसा मांग रहा है जैसे तेरे बाप से मैंने रुपया उधार में लिया था। मेरे पास पैसों का झाड़ नहीं है। अरे झाड़ नहीं है तो उगाओ, चोरी करो। चलो मेरा 1000 रुपया निकालो, आज का मिला का 2000। और जो तुम सुबह से शाम तक यहाँ हराम का खाते हो उसका पैसा कौन भरेगा? तुम्हारे लिए तो ये अच्छा है, इस घर के बर्तन धो, झाड़ू पोछा लगाओ। इतने जोर से हंस मत, गले का नड्डा बड़ा हो जाएगा, फिर हंसेगा ना, लोग कहेंगे रो रहा है। डॉक्टर, ये सब नाटक बंद कर, ये चालबाजी का स्टॉक यहाँ क्यों बर्बाद कर रहा है? अदालत में प्रैक्टिस कर। देखो भाई, मेरी अदालत की प्रैक्टिस भी बंद हो गई है और मैं 2000 रुपया कहाँ से लाऊं? मेरे पास नहीं है 2000 रुपया भाई। 2000 नहीं है? नहीं है। चल पौने 2000 दे दे। अरे क्या पौने 2000 लगा रखी है, मैंने कहा ना छुट्टा मिलाकर यही कोई 5-10 के नोट होंगे, कोई 500 रुपया बस। 500 रुपए में तो मेरा कुत्ता भी नहीं मानेगा। ये देख, सीधी तरह से मेरी हथेली पे 2000 रख दे वरना। देखो भाई, अंडर द सर्कमस्टेंसेस तुम मुझे कुछ भी धमकी दो, जब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं क्या करूं? अबे क्यों पराए बाप से पैदा हुए की तरह बात कर रहा है? अभी अभी तूने कहा था ना कुछ छुट्टा मिलाकर 500 रुपया है, बोलो ना तुम। 500 रुपया? मैंने कहा? पागल हो गया क्या? क्या? देखो भाई, बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ कि मेरे पास यही कोई 200 रुपया है। दो? ठीक है, 200 रुपया दे दे, भागते भूत की लंगोटी सही। चलो 200 रुपया तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा भी तो अपना खर्चा पानी है। तो क्या मैं अपने पैसे से तुम्हारा खर्च चलाऊंगा? अबे पागल हो गया। मैं जा रहा हूं, मैं चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। आहिस्ता बोलोगे तब भी सुनाई देगा। मेरे चले जाने से तुझे डर नहीं लग रहा है? मैं इन छोटी मोटी बातों से डरने लगा तो? अच्छा, अब मेरा यहाँ से चले जाना तुझे छोटी बात लग रही है? बात छोटी,
चींटी जितनी छोटी है। अरे मेरे गुरुजी कहते थे चींटी जब काटती है ना दर्द का मजा तब आता है। मेरे से जमा करता है हाँ। मैं तेरे जामे का पर्दा चिंदी चिंदी करके जाऊंगा, राजा साहब के सामने तुझे नंगा कर दूंगा, उस बुड्ढे को बताऊंगा दोस्ती की आस्तीन में चालबाजी का सांप छुपा हुआ है और वो तू है तू साला। अंकल वो आप कुछ अबे 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 देख मैं तुझे और एक मौका देता हूँ, इंसानी रंग में आ जा आ जा। मैं भी तुझे एक आखिरी सजेशन दे रहा हूँ, तू मुझे अपना सौतेला नाजायज भाई समझ ले। अबे कुत्ते हर रोज सूरज डूबने से पहले मेरी हथेली पर 10 100 के नोट वो भी कड़क गिन कर देने का वादा किया था और मैं उसी लालच में अपने जमीन को मारकर इस घिनौने पाप के कुएं में कूद पड़ा। रुपए दूंगा, स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दिया था। अरे मैंने तो तुझे खानदानी आदमी समझा था लेकिन तू तो साला बी ग्रेड खानदान का सी ग्रेड आदमी निकला। तू मुझे जितनी मर्जी गालियां दे दे लेकिन रुपए तो मैं नहीं दूंगा। चल मंडली 200 रुपया दे दे, गुस्सा थूक दे, काहे का झगड़ा। 200 रुपए मेरे पास हैं, ये मैंने कहा था हाँ। लेकिन तुझे दूंगा ये नहीं कहा था। अरे छोड़िए ना, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं, इतना बेशर्म है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरी शर्ट किधर है? मेरी पतलून किधर है? मेरा छाता कहाँ है? अबे नंगे फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था, हमने तुझे सूट बूट दिया, ये छाता वाता क्या चिल्लाता है, हमसे चाल चलता है? तुम लोगों से बात करने का और कोई टॉपिक बचा नहीं है लेकिन मैं खानदानी आदमी हूं, तुम लोग का नमक खाया हूं, नमक हराम ही नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। अब मैं कल कोई परीक्षा देने जा रहा है क्या जो किताब बचा रहा है? मैं यहां चल रहा हूं और तू किताब पढ़ रहा है? कुत्ता, बेईमान, गधा, लोमड़ी, I'm going! Good! अंकल मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, रुकू के जाऊं? ठीक है 150 रुपया ज्यादा रुक जाता हूं, कोई बात नहीं तुझे दर्द दिखाता हूं मैं। अंकल छुप के चोरी चोरी प्यार हुआ चोरी।
चोरी चोरी तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारने वाला चेहरा ये अत्रुप का इक्का मेरे हाथ में है। मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम वो हो ही नहीं जो वो समझते हैं। तुम बेरुपया हो। अब देखना ये कंठ माला इस गले में कैसे शोभा देती है। तू वहाँ नहीं जाएगा। अरे बुरा वक्त आता है तो कोई माइका लाल उसे रोक नहीं सकता। क्यों उस मासूम इंसान को दुख पहुँचाना चाहता है? अरे पहुँचाना तो तेरे को चाहता हूँ मैं। एक काम कर, ये रास्ता पकड़ और भाग जा यहाँ से। मेरी बात मान जा वरना बहुत बुरा वक्त आ जाएगा। अरे चुप, चल मेरे थ्रूप के लाल, चल चलो हट। बचाओ बचाओ बचाओ। छोड़ से, मैं कहता हूँ छोड़ से। बचाओ
क्यों रहता हूँ? उधर मामा जी। विजय तुम वही लड़के हो जो मेरी लड़की की मांग भरने वाले थे? हाँ मामा जी, राधा जी ने खुद मिलवाया था इससे मुझे शहर में। जब तो समझदार बात कर रहे हो तो बीच में बोलने वाला बेवकूफ होता है, जाहिल। और तुम, क्या ये वही लड़का है जिससे तुमने मोहब्बत की थी? इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। एंड यू, क्या यही तुमने दोस्ती निभाई है? क्या यह सच है? आपको कोई दुख न पहुंचे इसलिए मैंने, मुझे इसका जवाब चाहिए। तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया? गलत। नो no! तुमने बिल्कुल सही किया। यस, तुम अगर ऐसा नहीं करते तो मुझे विजय जैसा, अरे एक हीरे जैसा दामाद कैसे मिलता? मेरी बेटी को इतना अच्छा पति कैसे मिलता? तुमने तो अनजाने में मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है दोस्त, जिसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। आई थैंक यू वेरी मच। और तुम, दौलत और जहेज के लालची, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। ऐसा मत सोचो कि संसार में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे मेरा खोया हुआ सुख तुम जैसे सच्चे प्रेमी के रूप में लौटाने वाली ये देवी माँ ही तो है। हाथ जोड़कर प्रणाम करो इन्हें। देखना, हमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। चलो मंदिर के फेरे लेते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे विजय आपकी अक्सर तारीफ करता रहता है। एक मरतबा आपका बेटा भी आया था यहाँ पर। मेरा बेटा? नहीं नहीं, वो आपका दुबई वाला बेटा नहीं, छोटा बेटा राम किशन आया था। सुना है वहाँ अंग्रेजी की ट्यूशन से भागकर यहाँ पर आया था। अच्छा अच्छा। वैसे यहाँ पर आपको बंदूक समेत आने की कौन सी जरूरत पड़ गई? वो शिकार, मामा जी शिकारी है ना, जिस पर एक बार नजर पड़ गई वो गया काम से। मामा जी की ये बंदूक और जीप की आदत छूटती नहीं, क्यों मामा जी? ओके ओके, आप लंबा सफर तय करके आए, थोड़ा आराम करो। थैंक यू, टेक केयर ऑफ द गेस्ट। एक चोर और शामिल कर लिया है, ये कौन सा नया प्लान है? फांसी की सजा पाने वाले हत्यारे हो तुम। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और 15 तारीख की सुबह
5:45 पर तुम्हारी फांसी का वक्त मुकरर किया गया है। जानता हूं सर, मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है और ना ही ख्वाहिश है इस आशोआराम की जिंदगी की। मैं सिर्फ आपसे 4 दिन मांगता हूं। 4th दिन 14 तारीख है। जिस इंसान की मौत के डर ने हम सबको डराया है वो 14 तारीख को वापस चला जाएगा। मैं आपसे सिर्फ 4 दिन की मोहलत की भीख मांगता हूं साहब। Shut up! I've been suspended just because of you. सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ये सब जानते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मददगार बनूं? Never! विजय, मैं जिस जेल का सुपरिंटेंडेंट था उस जेल से आज तक एक परिंदा भी पंख मार के बाहर नहीं निकल सका, लेकिन तुम जैसा मुजरिम जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है मैंने जरूर से ज्यादा छोड़ दी, लेकिन लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैं और कुछ भी कर सकता हूं साहब, मगर इंसानों को कत्ल करके रुपए बटोरने वाला हैवान होता तो क्या मैं यहां रह सकता? वो इंसान जिंदगी की आखिरी शाम से गुजर रहा है। अगर उन्हें मेरी हकीकत का पता चल जाए तो वो किसी कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाएंगे। मेरा अंत तो मुझे नजर आ ही रहा है, मगर जाते जाते मैं किसी और के जीवन का अंत देखना नहीं चाहता। कम से कम एक अच्छा काम कर लेने दीजिए साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कहता हूं मैं लौट आऊंगा। तुम्हारी कहानी सुन के मैं तुम पे इतबार कर सकता हूं। वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, और फिर तुम तक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 दिनों की मोहलत देता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, इन 4 दिनों में तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगे। थैंक यू साहब। मैंने जो कुछ सुना क्या वो सच है? प्लीज विजय, प्लीज टेल मी, क्या वो सच है? तस्वीरें खींचने वाला मैं एक आजाद फोटोग्राफर था। एक मैगजीन के कवर पेज के लिए खूबसूरत तस्वीर की तलाश ने मुझे डांस स्कूल पहुंचा दिया, जिसे मेरे दोस्त अभिषेक के पिताजी चलाया करते थे। वही मैंने पहली बार वैशाली को देखा। मेरा कैमरा उसकी फोटो ना खींच सका, वो मेरी आंखों में समा गई, मेरे दिल में बस गई। मेरे दिल की छोटी सी दुनिया में हलचल सी मच गई। कई उम्मीदों ने एक साथ जन्म ले लिया। जमुना के तट पर मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया आकर आज पधारे हैं। तकथई 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 तकथई। अबे ओ अभिषेक के बच्चे, इधर आ। कल विस्की पीते वक्त तूने मुझसे क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? अच्छा, क्या वादा किया था? नशा उतरते सब कुछ भूल गया, याद है? लड़की से डांस सिखवाने के लिए तू अपने पिताजी से बात करेगा? मैंने तुम्हारी बात उनसे की थी, उन्होंने कहा कि कन्याओं के साथ नहीं अलग से डांस सिखाऊंगा। अरे उससे सीखने तो मेरा कुत्ता ही जाएगा। तो फिर अपने कुत्ते को भेज दो। अबे वो चपर घंचू की औलाद, तुझ पर भरोसा करके तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। इतने दिनों पी हुई दारू के पैसे निकाल, मुझे कोई डांस वांस नहीं सीखना।
पैसा पैसा मेरे पास कहाँ है? देख देख, तू पैसे मत मांग, कोई और काम बोल, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, जिस तरह पुराने जमाने में पंछी उड़कर प्रेम का संदेश पहुंचाया करते थे, उसी तरह तू मेरा पंछी बन जा। ये प्रेम पत्र तुझे डांस क्लास तक पहुंचाना होगा, फिर देखना मैं तेरे गले को शराब से नहला दूंगा। कैसे हैं आप, मुझे पहचाना? कल रात मेरे ख्वाबों में आई राजकुमारी का चेहरा बिल्कुल आपकी तरह था। हेलो, अरे कुछ तो बोलिए। हेलो, आखिर तुम इतनी खिंची खिंची सी खामोश क्यों हो? देखो ये घुमा फिरा मुझे पसंद नहीं, मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं बता दो ताकि हम दोनों शादी कर लें। अच्छा इतना बता दो, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? देखो इतना तड़पाना भी ठीक नहीं है। अरे हर सवाल का जवाब घुंघरू की झंकार, कहीं तुम मेरे दीवाने पर का मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? अरे फिर वही, देखो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं ना तो तुम साफ साफ बता दो, मैं चला जाता हूँ। ओहो, मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं ये जानने के बाद ही अब मैं तुमसे बात करूं। ओ माय डार्लिंग, तुम्हारे पीछे चक्कर काटते काटते जमाना बीत गया, प्लीज कुछ तो बोलो। लड़की को रास्ते पर चलने नहीं दोगे? चलो चलो पुलिस स्टेशन। अरे मेरा गुनाह क्या है? बाएं मुड़ तेज चल पुलिस स्टेशन की तरफ। अरे तुमने कह दिया पुलिस स्टेशन चलो, तो मैं गाय बकरियों की तरह तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा? अरे जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ उसका पीछा करूंगा तो तुम्हें तकलीफ क्या है? क्या उसकी शादी का मामला तू तय करेगा? तो तुम तय करेगा, तुम क्या उसका बाप लगता है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब तेरा हर मामला मैं ही तय करूंगा। क्यों भाई क्यों? क्योंकि उस लड़की का बाप मैं ही हूं। विजय, मिस्टर वर्मा ने जो कुछ कहा वो सब सही है? विजय मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुमसे। जी साहब सब सही है। देखो विजय, एक हेड कांस्टेबल को अगर मैं मिस्टर वर्मा क्या के पुकारता हूं, मैं उनकी कितनी इज्जत करता हूं तुम समझ सकते हो? जी, हमारा सारा डिपार्टमेंट इनकी इज्जत करता है, लेकिन आज इनका टाइम ठीक नहीं है। इनका एक बेटा है जिसे बेटा कहने में इन्हें शर्म आती है, और इनकी बेटी है जो गूंगी है। विजय, मिस्टर वर्मा को रिटायर होने में सिर्फ एक महीना बाकी है, और इनकी सारी जायदाद इनकी गूंगी बेटी है, और तुम वो जायदाद खत्म करना चाहते हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर कैसी बात है? जी वो क्या? देखो सच सच बोलो, वरना मकड़ी को नचाने के लिए ये लकड़ी चलानी पड़ेगी। जी जी, क्या वो लड़की तुमसे प्यार करती है? तुमसे प्यार करते हो कि नहीं? जी मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। हाँ सर, वेरी गुड।
दिल की जमीन पर रखते जो पांव दिल की जमीन पर तूने बना दी जन्नत यहीं पर अब ये जब मैं घर वापस लौटा तो किसी दूसरे आदमी की परछाई मैंने अपनी पत्नी के बहुत नजदीक देखा। वो आदमी कौन था मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब घर में नहीं होता था उस वक्त एक लड़का मेरे घर अक्सर आता था। ये बात पड़ोसियों से मैं कई बार सुन चुका था। और फिर अचानक एक दिन जब मैं घर लौटा कौन है तू? कौन है तू? मैं पूछ रहा हूँ कौन है तू? मैं पूछ रहा हूँ कौन है तू? मैंने खुद अपनी बेचारी को मार डाला। तब मुझे पता चला जिस नक्सलाइट की पुलिस तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं मेरी पत्नी का भाई है, जो कभी खाना खाने या रुपए लेने के लिए हमारे घर आया करता था। इस बात के लिए मैं कभी राजी नहीं होऊंगा। शायद इसी के डर से वैशाली ने बात मुझसे छुपाई। राधा, राधा, मैं अपने जमीन की नस्लों में बहुत गिर चुका हूं। इस दुनिया में मुझे जितनी भी सजा मिले वो कम है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है राधा, बहुत बड़ा पाप किया है। विजय, अभिषेक, विजय, मेरी माली हालत तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुम्हारी फांसी की खबर सुनने के बाद तुम्हारी औलाद को अनाथ आश्रम में भेजने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। उस अनाथ आश्रम में मैं एक अमेरिकन डॉक्टर से मिला
उसने मुझे बताया कि ऑपरेशन के बाद तुम्हारे गूंगे बेटे को बोलने की शक्ति वापस मिल सकती है, लेकिन लेकिन क्या उसके लिए 20,000 रुपए की जरूरत है? क्या क्या तुम्हारे पास कुछ? मेरे पास जो कुछ रकम थी पुराने कर्ज चुका दी है। मेरे हालात तो रेत की कमजोर दीवार की तरह है, लेकिन ऑपरेशन के लिए तो रकम चाहिए। इसके लिए कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। मेरे मासूम बेटे को जमान आ जाए, मरने से पहले उसके ऑपरेशन के रुपए का इंतजाम कर दूं, ये सोचकर मैं जेल से फरार हुआ। इत्तेफाक से तुम्हारे अंकल से मुलाकात हो गई और मैंने तुम्हारे पति होने का नाटक मंजूर कर लिया, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था राधा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ। विजय, विजय। कहाँ है वो खूनी? वो लंबी लंबी मूछों वाला, उसे फांसी पर लटकाने के लिए ले गया क्या? अब इस बाजी का असली पत्ता मेरे हाथ में है। हालात शीशे की तरह नाजुक हो गए हैं, लेकिन मैं उन पर पत्थर नहीं मारूंगा। अगर तुम इन पर दस्तखत कर दो तो। क्या ये? कोरा कागज। इस पर खामोशी से दस्तखत कर दो, वरना विजय के माथे पर लिखी हुई सजाए मौत मैं मामा जी को पढ़कर सुना दूंगा। नहीं। और मामा जी के मरने के बाद मुझे क्या करना है उसका बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है। नहीं मामा जी, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। वाकई तुम जैसी लड़कियां माँ बाप के लिए जीती हैं। लो करो 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 करो। इधर विशंबर से टक्कर लेना लोहे के चने चबाना है झुंझुनवाला जी। क्या कहा था तुमने? साबित कर सकते हो तो करो। तो साबित कर दिया मैंने, आप बजाते रहो झुन 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 झुना। पागल हो गया क्या अंकल? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अंकल क्या हुआ? मामा जी को धोखा देने वालों के गले की रस्सियां मेरे हाथ में है, क्योंकि वो विजय खूनी है और वो बड़ी बड़ी मूछों वाला उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए आया है, और मामा जी को ये सब सच्चाई बताने की धमकी देकर राधा से मैंने कागजात पर दस्तखत करवा लिए हैं। नहीं बेटा नहीं, भाई साहब को धोखा देकर उनकी दौलत हासिल करना मुझे मंजूर नहीं। लेकिन मुझे मंजूर है माँ, धोखेबाजी से हो या चालबाजी से बस माल मिलना चाहिए। अब देखना बगैर कंठ माला पहने मैं यहाँ का राजा साहब कैसे बनता हूँ। राजा साहब, राजा साहब। लाओ ये कागजात मुझे दो। मामा जी को असलियत बता दी तो उनका अंत हो जाएगा, इसलिए अपने मुंह पे ताला लगाए बैठा हूं। ये तो अच्छी तरह से जानता है, इतनी तकलीफें झेल झेल कर जिस राज को तूने राज बनाए रखा है, तू चाहता कि मैं उसे कच्चे मटके की तरह फोड़ दूं? तू किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे चुप, तुम फांसी की सजा भुगतने वाले जेल से फरार खूनी हो, सच्चाई का यह मटका मामा जी के सामने मैं फोड़ दूंगा। और मैं तेरे गंदे लालची दिमाग को संभालने वाला ये हड्डियों का मटका फोड़ दूंगा। याद रहे, एक खून की सजा फांसी है और दूसरा कत्ल करने पर भी फांसी से बढ़कर सजा नहीं हो सकती। तुम्हारे चुप, तुम मैं तुझे समझा रहा हूं। अगर ये हकीकत है तेरे या तेरे किसी आदमी के जरिए राजा साहब को मालूम हुई तो मैं ये गर्दन मरोड़ दूंगा। ये कागजात फाड़ दे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं फाड़। माफ कीजिएगा पिता। विजय, अपने बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारा खूनी और मुजरिम होना तुम्हारा जाती मामला है, मेरे लिए तुम सिर्फ राधा के पति का किरदार निभा रहे हो।
लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। अपने बारे में सब कुछ जानते हुए तुमने राधा के मन में आशाएं क्यों पैदा की, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद की? आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, मगर मुझे राधा की तरफ इस तरह बढ़ना नहीं चाहिए था। सब कुछ जानते हुए भी अनजाने में मेरा दिल उसे प्यार कर बैठा, लेकिन यह जिंदगी खत्म होने से पहले आप लोगों के प्यार ने मुझे असली जिंदगी की खुशी दी है। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का एहसान मंद रहूंगा। एक आखिरी तमन्ना है, मेरे इस गुनाह को माफ कर दीजिएगा। विजय, गुनहगार तुम मेरे नहीं हो बल्कि राधा। कुछ मत कहो, मगर इतना सुन लो कि तुम्हारे बाद यही जिंदगी एक विधवा की जिंदगी बनकर रह जाएगी। मैं तुम्हारे साथ मरने को भी तैयार हूँ, जिसका दोषी कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरी किस्मत भी नहीं। राधा, तुमसे एक विनती है, तुम्हारे पिताजी दिल के मरीज हैं और मैं चाहता हूँ कि अपनी इस हकीकत का उन्हें पता ना चले, ताकि वो अपनी आखिरी छुट्टियों की सुनहरी यादें अपने दिल में बसाए, खुशी खुशी यहां से लौट जाए। राधा, तुम्हें भूलना होगा, सब कुछ भूलना होगा। ये मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर सारी जिंदगी तुमसे दूर रह सकती हूँ, मगर इतना वक्त भगवान दे नहीं पा रहा है। मिस्टर झुनझुनवाला, आप मुझे कुछ कहने वाले थे, चलते चलते हम बहुत दूर निकल आए। कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है जेलर साहब, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। जेलर साहब, विजय के बारे में आपके अलावा और कोई नहीं जानता। आपकी पिस्तौल मैंने चुराई, इस पर उंगलियों के निशान भी आप ही के हैं। आपकी मौत विजय की जिंदगी बन सकती है। होश की दवा करो, विजय एक मुजरिम है, खूनी है, उसे फांसी की सजा सुनाई गई है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरे बस की बात नहीं। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मगर मेरे मर जाने से न कानून मर सकता है, न विजय का जुर्म मिट सकता है। चलाओ गोली, चलाओ गोली, शायद मेरे मर जाने से उसे जिंदगी मिल जाए। क्या अनजाने में हुई इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता? वो काम अदालत का है, और विजय ने अपनी जबानी अदालत में कबूल किया है कि उसने अपनी पत्नी का खून किया है। शायद वो बच भी जाता, लेकिन उसने अपने लिए किसी वकील की मदद नहीं ली। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि उसे फांसी लगने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी रह गया। मैं विजय को आपको यहां से नहीं ले जाने दूंगा। मैं उसे यहां से लेके जाऊंगा, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं यहां ठहरा हूं, और मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अपने सस्पेंशन का ऑर्डर लेकर जब मैं जेल से बाहर निकला था, उसी वक्त उसकी फांसी का फंदा मेरे हाथ में था। एंड रिमेंबर वन थिंग, नो क्रिमिनल कैन एस्केप फॉरएवर। मुन्ना से पापा मिलने आए हैं, हम मिलने आए हैं, छोटा सा बच्चा। देखो तुम्हारे पापा वहां खड़े हैं। आजा 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 आजा। पाली चलो। अरे बाबू, ये मेरे बच्चे को धक्का हुआ। राधा, बचपन में मैंने दादी माँ से कहानियां सुनी थी कि मरने वाले की आत्मा सितारा बनकर जगमगाते आसमान में रह जाती है, और जब इंसान को उन्हें देखने की तमन्ना होती है तो उनमें खोए हुए चेहरे नजर आने लगते हैं। जब इसकी बोलने की शक्ति वापस आ जाएगी और पिता के बारे में पूछेगा तो तुम आसमान की तरफ इशारा कर देना, मैं इसे नजर आ जाऊंगा। मेरा बेटा मर कहीं से, हमारा बेटा कहीं है। Thank you.
की मर्जी के मुताबिक आपकी जायदाद का कुछ हिस्सा आपकी बहन सुभद्रा देवी और उनके औलाद की गुजर बसर की खातिर मैंने अलग अलग कर दिया है जी। और बाकी जायदाद आपके दामाद और बेटी के नाम लिख दी है। थैंक यू वेरी मच। विजय बेटे, आज से इस तमाम एस्टेट की देखभाल तुम करोगे। हाँ बोल दोस्त, तुझे क्या दूं? दोस्ती हिसाब किताब का नाम नहीं, जज्बात का नाम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से राजी खुशी चले जाओ। मुझे नाज है तुम्हारी दोस्ती पर, लेकिन जिंदगी एक ऐसा साज है जिसका तार कभी भी टूट सकता है। इसलिए जाने से पहले मेरी एक तमन्ना है। बोलो क्या है? जाने से पहले मैं एक ऐसा जश्न करना चाहता हूँ जिसमें विजय एक ऐसा गीत सुनाए जो मेरी यादों को यादगार बना दे। आई
सुबह से ही ना जाने कहां गायब है। बेटे मैं तुम लोगों से विदा हो रहा हूं ना, तो ये मंजर वो देख नहीं सकता, इसलिए कमबख्त कहीं जाकर छुप गया है। आप बड़े तकदीर वाले हैं जो आपको इतना प्यार करने वाला दोस्त मिला। विजय तुम्हें भी उतना ही प्यार करने वाली एक पत्नी मिली है। जिस तरह हमने अपने दोस्त की दोस्ती निभाई है, तुम्हें भी राधा के साथ अपनी जिंदगी निभानी है। मैं जा रहा हूं। जाओ बेटा, तुम्हें रोकना मेरे बस की बात नहीं है, और ये भी नहीं कह सकती कि जल्दी लौट आना। जिन्हें वो बुलाते हैं वो लौट कर नहीं आते। तुम्हारा मिलना हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं जब यहां पर आया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये 14 दिन इतनी जल्दी गुजर जाएंगे, और मैं अपने साथ अमेरिका इतनी ढेर सारी खुशियां लेकर वापस जाऊंगा। बेटे विजय, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज तुमसे मांग रहा हूं। मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? कहिए। तुम्हारे घर अगर बेटे ने जन्म लिया तो उसे मेरा नाम देना, राणा विक्रम सिंह। और अगर बेटी पैदा हुई तो उसका नाम गायत्री रखना, यह राधा की मां का नाम है। बस यही आखिरी ख्वाहिश है। नाम क्या? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे की फोटो भी आपको जरूर भेजूंगा। बस अब इस ट्रेन के विसल की तरह बहुत जल्द नाना बनने की खुशखबरी मेरे कानों को सुनाई देनी चाहिए। ओके। पिताजी की तरह मेरी भी एक ख्वाहिश है। हाँ। मेरे बेटे को नहीं, नहीं, हमारे बेटे को राधा साहब का ही नाम लेना, और अपनी ममता की गोद में उसे बड़े प्यार से पाला। आंसू मत बहाओ राधा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कल से आकाश में एक नया सितारा जगमगाएगा, और वो कोई और नहीं तुम्हारा विजय होगा। मैं वहां से तुम्हें देखता रहूंगा। विजय, मेरा वक्त हो गया राधा, मैं चलता हूं। Thank you.
राधा, दुख के बादल छट गए, बदकिस्मती पर खुशकिस्मती की बरसात हुई है। मैंने मर्सी अपील की, कानूनी पैंतरे घुमाए, दांव पेच लड़ाए, तो अदालत ने विजय की सजाए मौत को बदलकर 5 साल की कैद की सजा में बदल दिया है। क्योंकि विजय ने अपनी पत्नी का खून खून करने के इरादे से नहीं किया, उसकी पत्नी के भाई ने गवाही दी है, तो उसको अब सिर्फ 5 साल की सजा होगी, सिर्फ 5 साल की। सच? हाँ, 5 साल के बाद तुम्हारा विजय आजाद होगा, आजाद। बोल सकता है बेटा, जब बेटा बोल सकता है, फिर से एक बार बोल। डैडी। ये कौन है? मम्मी। और मैं कौन हूँ? झुनझुन वाला नाना जी। हाँ, झुनझुन वाला नानी जी घर पर है और हमारा भी प्यार हुआ चोरी चोरी। चुपके चुपके चुप चुपके 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 चुप चुपके